हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, दैट इज पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक। तो टॉपिक लिख लो, पीरियोडिक फंक्शन एंड नॉन पीरियोडिक फंक्शन। तो हम पहले बेसिक डेफिनेशन लिख लेते हैं पीरियोडिक फंक्शन की। तो हम पीरियोडिक फंक्शन एफ एक्स को पीरियोडिक कब बोलेंगे, तो हम डेफिनेशन लिखते हैं। तो लिखो इधर, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड पीरियोडिक इफ देयर एग्जिस्ट, दिस इज अ सिंबल फॉर देयर एग्जिस्ट, उल्टा ही करके, इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो नंबर, लेट्स से टी, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, देखना इंपॉर्टेंट चीज, For all x belonging to domain of f, this is important. ठीक है, मैं बताऊंगा, अगर मैं इतना नहीं लिखता तो this alone is not sufficient. ठीक है, तो अच्छा इसका मतलब क्या है, देखो हम समझते हैं मतलब। जैसे इसने क्या बोला कि अगर कोई हमें t ऐसा मिल जाए, एक नॉन जीरो नंबर, कि ये इक्वेशन होल्ड हो जाए, तो हम बोलेंगे उस फंक्शन को पीरियोडिक। ठीक है, और ये भी लिख लो, where t is called period of function। अब सुनना मैं क्या बोला, कि जैसे इसका मतलब क्या है वो हम समझते हैं। मैंने बोला कि एफ एक्स की वैल्यू ये जो आ रही है, वही t आगे जाने पे आ रही है या t पीछे जाने पे आ रही है। जैसे मैंने t की वैल्यू लेट्स से मैंने t की वैल्यू इधर, लेट्स से इस सिचुएशन के हिसाब से मैंने -5 रखा, मान लो इधर -5 पे होल्ड हो रहा है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस फाइव है। इसका मतलब क्या है, हमें पता है एफ ऑफ एक्स माइनस फाइव क्या होता है, हम ट्रांसफॉर्मेशन से पढ़े कि ग्राफ 5 यूनिट्स आगे चला जाता है। तो ये क्या बोल रहा है कि फंक्शन की वैल्यू एक्स पे देखो और 5 यूनिट्स आगे चल के देखो, सेम आ रही है। इसका मतलब ग्राफ रिपीट कर रहा है, समझ में आया। जैसे मैंने, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिखता हूं, मैंने लिखा साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस 2π। सुनना ध्यान से, ये साइन मेरा किसका काम कर रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन एफ का, ये मेरा साइन हो गया एफ, एक्स मेरा ये एक्स का ही काम कर रहा है, दिस इज माई एक्स एंड दिस 2π इज एक्टिंग एज अ टी। तो मैं बोल सकता हूं इस इक्वेशन के हिसाब से कि According to this, क्या लिखूंगा मैं, साइन एक्स इज पीरियोडिक विद पीरियड टी। क्लियर है। अच्छा अब मैं बोल रहा हूं, जैसे मैंने अब एक आध फ्रैक्शनल पार्ट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 4। ये हमने प्रॉपर्टीज इतना पढ़ा था कि हम अगर एक्स में इंटीजर एड करते हैं तो उस इंटीजर को आई कैन, इसके हिसाब से कोई अगर इंटीजर ऐड है एक्स में और उसका फ्रैक्शनल पार्ट लिया है, तो हम इस इंटीजर्स को गायब कर सकते हैं। ठीक है ना, प्रोडक्ट में होता है ये, फोर तो नहीं कर सकते, ये मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट में बताया था, अगर याद नहीं आ रहा तो यू कैन रेफर दैट लेक्चर। अब सुनना, तो अकॉर्डिंग टू दिस अगेन ये क्या मेरा हो जाएगा एफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये मेरा एक्स है और ये मेरा किसका काम करेगा टी, दिस इज माई एक्स एंड दिस इज माई एफ, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी। तो अगेन व्हाट आई विल से, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स विच इज माई एफ एक्स इज पीरियोडिक विथ पीरियड कैपिटल टी, सॉरी इसके हिसाब से कैपिटल टी की वैल्यू क्या है, जो मैंने लिखा है 4। ठीक है, समझ में आया बच्चों। अच्छा वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, मैं इसको रब करता हूँ, आगे कंटिन्यू करता हूँ, सुनना अब ध्यान से। तो अब सुनना, जैसे मैंने अभी एग्जांपल जो लिया, मैंने लिया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। मैंने बोला फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 4, मैंने बोला दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, मतलब अच्छा अब मैंने बोला फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 3 क्या हुआ, तो अकॉर्डिंग टू दिस तो मैंने क्या बोला था, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड इज 4। अब मैं इसको लिख रहा हूं, तो अगेन एक्स में इंटीजर ऐड है, तो आई कैन से दिस इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ओनली, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। और पीरियोडिसिटी के हिसाब से मैं बोलूंगा इसका पीरियड क्या है, 3, इसका पीरियड 4 था, इसका पीरियड 3 है, दिस इज माई टी, दिस इज माई टी।
ठीक है, फर्दर इसको मैंने छोटा किया, एक्स प्लस टू अगेन इट विल बी इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, तो इसके हिसाब से पीरियड कितना आ गया, टू। थोड़ा सा और छोटा करते हैं, मैंने बोला इस ट्री को घटाते जा रहा हूं मैं, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, दिस इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज एक्स वन इज एन इंटीजर, उसमें एक्स को एक्स में एड किया तो आई कैन रिमूव दैट वन, सो इसके हिसाब से पीरियड इज टू वन। अब सुनना, मैंने फिर अब दोबारा फर्दर रिड्यूस किया, एक्स प्लस वन को फिर आधा किया तो हाफ हो गया, दिस इज फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, ये करेक्ट है क्या, नहीं ये करेक्ट नहीं है। तो सोचो रिड्यूस करते 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 हम वन तक आए, तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, देखो वन भी पीरियड है, टू भी पीरियड है, थ्री भी पीरियड है, फोर भी पीरियड है, बट लीस्ट वैल्यू ऑफ टी उसका एक स्पेशल नाम है, उसको बोलते हैं फंडामेंटल पीरियड, विच हियर इट इज वन। ठीक है, तो इसको लिख लो, द लीस्ट वैल्यू ऑफ टी इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड। It's called fundamental period. ठीक है, जैसे कि मैंने साइन का केस लिया, जैसे मैंने कहा साइन ऑफ एक्स प्लस फोर पाई, क्या साइन एक्स के बराबर होता है, हाँ बिल्कुल होता है, तो इसके हिसाब से पीरियड क्या, फोर पाई, तो मैं बोलूंगा साइन एक्स का पीरियड फोर पाई है, इज इट ए करेक्ट स्टेटमेंट, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, और फिर मैंने बोला साइन एक्स इज अ साइन एक्स का फंडामेंटल पीरियड टू फोर पाई है, तो गलत हो जाएगा, फंडामेंटल पीरियड टू फोर पाई नहीं है, फंडामेंटल पीरियड तो टू पाई है, बिकॉज अभी इसको मैं रिड्यूस करूंगा, जैसे मैंने इसको लिखा फर्दर रिड्यूस किया तो एक्स प्लस टू पाई इज इक्वल टू साइन एक्स आएगा, विच इज करेक्ट। अब मैंने फर्दर इसको आधा हाफ किया तो मैंने लिखा साइन ऑफ एक्स प्लस पाई, क्या ये साइन एक्स के बराबर होता है, नहीं, ये तो माइनस साइन एक्स होता है ना, तो ये दोनों बराबर नहीं हुए, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ टी क्या मिला, टू पाई, हेंस साइन एक्स इज पीरियोडिक विद फंडामेंटल पीरियड टू पाई। ठीक है ना, बाकी हाँ मैं ये बोलूंगा कि 2 पाई 4 पाई 6 पाई ऑल आर पीरियड ऑफ साइन एक्स, सिमिलरली आई विल से हियर 1 2 3 4 ऑल आर पीरियड ऑफ अपना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, अच्छा मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि जनरलाइज करके कि जैसे मैंने बोला फंडामेंटल पीरियड टी है, तो टी का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल ले लो वो पीरियड होगा फंक्शन का, क्या बोला मैंने ऐसे, चलो इसको फॉर्म में लिख लो, मैंने लिखा इफ फंडामेंटल पीरियड इज कैपिटल टी, मैंने बोला कोई फंक्शन है उसका फंडामेंटल पीरियड टी है, तो उस फंक्शन के लिए पीरियड क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ टी, तो उसके लिए लिख लो देन द पीरियड ऑफ फंक्शन, देन द पीरियड ऑफ फंक्शन विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ कैपिटल टी। समझ में आया क्या होगा, तो मैं कोई फंक्शन पीरियड टी है जिसका, लेट्स से एफ का अगर पीरियड टी है, तो मैं इसका पीरियड अगर फंडामेंटल पीरियड टी है तो टी का इंटीग्रल मल्टीपल मतलब 2t 4t 3t एंड सो ऑन ऑल आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ टी, सो दीज ऑल विल बी द पीरियड ऑफ एफ। ठीक है, तो इसके हिसाब से मैं एक इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ, देखो मैं लिख रहा हूँ, तुम लोग इसको कॉपी करो, ठीक है ना, तुम लोग इसको कॉपी करो, मैं इसको रब कर रहा हूँ। मैंने क्या बोला कि जो फंक्शन है उसका पीरियड टी है, तो उसका टी का इंटीग्रल मल्टीपल विल आल्सो बी अ पीरियड ऑफ फंक्शन, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं एफ ऑफ एक्स प्लस टी, दिस इज माय एफ ऑफ एक्स प्लस टी, अगर एफ एक्स के बराबर है और उसने बोल दिया कि टी इज फंडामेंटल पीरियड। ठीक है, तो अच्छा इधर फंडामेंटल पीरियड नहीं होगा तो भी चलेगा, जो मैं अभी स्टेटमेंट बोल रहा हूं, अभी जो बोल रहा हूं सुनना, मैं क्या लिख रहा हूं कि दिस इज इक्वल्स टू, मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर एफ ऑफ एक्स प्लस टी के बराबर है तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस टू टी के बराबर भी होगा, क्यों, क्योंकि मैंने अभी बोला कि फंक्शन का पीरियड अगर टी है तो टी का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल ले लो वो उसका पीरियड होगा, तो इस इक्वेशन के हिसाब से मैं क्या बोलूंगा एफ एक्स का पीरियड टू टी है, विच इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। फिर मैं फर्दर इसको ऐसे लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स प्लस थ्री टी। ठीक है, इसका मतलब भी क्या हो, जैसे हम ग्राफिकली समझे इसका मतलब क्या है, जैसे मेरा फंक्शन का वैल्यू एट एक्स क्या होगा, हम टी यूनिट्स पीछे गए, एक्स प्लस टी मतलब क्या हो, पीछे गए तो भी हमें सेम मिलेगा, क्योंकि हमें पता है ना ग्राफ टी यूनिट बार रिपीट हो रहा है, शिफ्ट होता है ना बेसिकली पीरियडिक फंक्शन, मैंने पहले ही बताया था ग्राफ क्या करता है, टी यूनिट्स जो उसका फंडामेंटल पीरियड होता है उसके बाद वो रिपीट करता है, तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, जैसे मैंने बोला तुम्हें इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है मैथमेटिकली ग्राफिकली मतलब कि एफ एक्स का वैल्यू एट एक्स और एक्स से टी यूनिट्स पहले, एफ ऑफ एक्स प्लस टी क्या होता है, टी यूनिट शिफ्ट किया पीछे की साइड, अगर टी पॉजिटिव है लेट्स से टी की वैल्यू टू है तो एफ ऑफ एक्स प्लस टू क्या हुआ,
एफ एक्स को हमने पीछे की तरफ टू यूनिट शिफ्ट किया, तो क्या रहा है, एफ एक्स का वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड एट एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टी सेम है। सिमिलरली इन दोनों से क्या आया, फंक्शन का वैल्यू एट एक्स एंड फंक्शन का वैल्यू एट एक्स प्लस टू टी, टू यूनिट टू टाइम्स हम आगे बढ़े, पीछे सॉरी प्लस टू टी लिखा है तो पीछे बढ़े, पीछे गए हम, तो हमें फंक्शन का वैल्यू सेम मिलेगा। तो अच्छा अब हम पीछे की बात कर रहे हैं तो आगे की बात चलेंगे, तो मैं इसको फर्दर ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज फर्दर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस टी, दिस इज फर्दर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस टू टी एंड सो ऑन, ये सब चीज बराबर होंगी, समझ में आया। तो इन इसको जनरलाइज कैसे लिख सकता हूँ मैं, देख रहा है टी के आगे क्या इंटीजर लिखा है हमेशा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एन टाइम्स टी। अब एन पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर कुछ भी हो सकता है, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, जरूरी नहीं पॉजिटिव, नेगेटिव भी चलेगा क्योंकि पीछे की तरफ आगे की तरफ रिपीट कर रहा है, पीछे भी रिपीट कर रहा है, समझ में आया बच्चों। अच्छा तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब एक और इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है, अब इंपॉर्टेंट नोट क्या है, इसको लिख लेना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एन टी वेयर माई एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है बच्चों। अच्छा अब सुनना, अब मैंने बोला कि जो एक नोट है कि जो पीरियोडिक फंक्शन का ग्राफ होगा ना वो क्या होगा कि वो दोनों साइड इंडेफिनेटली जाएगा, क्या लिखूंगा मैं ऐसे लिखता हूं, द ग्राफ ऑफ पीरियोडिक फंक्शन रिपीट्स इटसेल्फ indefinitely in both the direction that is towards positive x axis and towards negative x axis, ठीक है ना। और मैं ये तो बहुत आसान सी चीज है क्योंकि हमें पता है ना कि ग्राफ अभी हमने देखा है f of x is equal to f of x plus nt होता है, तो क्या कर रहा है ग्राफ इंडेफिनिटली रिपीट कर रहा है ना, मैं 100 t बाद जाऊंगा तब भी मुझे वही ग्राफ मिलेगा, तो ऐसे इन्फिनिटी तक जाता जाऊंगा ग्राफ आगे बढ़ता जाएगा, पीछे की तरफ जाऊंगा तो भी बढ़ेगा, तो वही लिखा है कि ग्राफ ऑफ पीरियोडिक फंक्शन क्या होगा, इट विल रिपीट इटसेल्फ इंडेफिनिटली इन बोथ द डायरेक्शन, दोनों साइड इंडेफिनिटली रिपीट करता रहेगा। अच्छा एक चीज और, इस स्टेटमेंट से तुम ये कंक्लूड नहीं करोगे कि डोमेन इज आर, सुनना ध्यान से, ये भी बच्चे लोग गलती करते हैं, इस स्टेटमेंट के हिसाब से वो लोग अपने आप में कंक्लूजन निकालते हैं, दिस इंप्लाइज डोमेन इज आर, दिस डज नॉट इंप्लाइज डोमेन इज आर। क्यों, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया लेट्स से टेन एक्स का ग्राफ लिया, ठीक है ना, जो तुम्हें पता भी ऑलरेडी दिस इज माई ग्राफ ऑफ टेन एक्स, तो मुझे पता है कि टेन एक्स का ग्राफ रिपीट करता है पाई इंटरवल के बाद, ये हमने ऑलरेडी देखा है, देख भी रहा है, जैसे ये वाला ग्राफ दिस इज जीरो दिस इज पाई, तो इसी ग्राफ को मैं इधर यूनिट शिफ्ट कर दूंगा, क्योंकि टेन ऑफ एक्स जो होता है हमारा इज इक्वल टू टेन ऑफ एक्स प्लस पाई होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ एफ, तो इसका पीरियड कितना होता है पाई होता है, क्या इसका डोमेन आर है, नहीं, इसका डोमेन तो क्या होता है आर माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ टू पाई बाई टू, क्या लिखता हूं मैं इसका डोमेन आर माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, समझ में आया, तो रिपीट करने का सेंस मतलब ये नहीं कि डोमेन आर होगा, ठीक है ना। चलो जैसे और एग्जांपल भी देख सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि लेट से एक ये ग्राफ बनाया मैंने, चलो मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, ठीक है, फिर मैंने एक का गैप दिया और फिर ऐसे लिखा, फिर मैंने एक का गैप दिया फिर ऐसे दिया, आप खुद सोचो कि लेट से ये जीरो है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ये फाइव है, तो वॉट इज द फंक्शन ऑफ दिस पीरियड, वॉट इज द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन, तो क्या आएगा, पीरियड इज डोंट से वन, पीरियड इज टू, टू के बाद रिपीट कर रहा है ना, टू तक का ग्राफ मैं आगे रखूंगा तो ये मिल जाएगा, अगर वन तक वन पीरियड बोलता तो यही ग्राफ मैं इधर रखता तो मेरा क्या आता, अगर मान लो कोई पीरियड इसका वन बोले तो मेरा ग्राफ ऐसे आएगा, ये वन तक बनाया फिर इसको रिपीट किया फिर ये आया फिर इसको रिपीट किया, तो क्या ये इसके बराबर है, नहीं, तो ये तो मैंने क्या मान के माना था, बनाया था पीरियड वन, तो विच इज रॉन्ग, तो ये तो नहीं होगा, हाँ पीरियड इज टू, क्लियर है, पीरियड इज टू, आप खुद सोच सकते हो कि पीरियड टू है, अब डिफाइन तो ये जीरो टू वन है, टू टू थ्री है, फोर टू फाइव है ना, तो
मैं क्या बोलूंगा कि पीरियड कि ग्राफ ऑफ पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, रिपीट तो करता है दोनों साइड इंडेफिनेटली, बट उसका डोमेन आर जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। जैसे साइन एक्स है उसका है डोमेन इज आर, कॉस एक्स है उसका आर है, टेन एक्स का नहीं है, कॉसेक एक्स का नहीं है, सेक एक्स का नहीं है, कॉट एक्स का नहीं है, ऑल दो दे ऑल आर पीरियोडिक, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमारे बेसिक छह फंक्शन है दे ऑल आर पीरियोडिक, बट उसमें साइन और कॉस ही ऐसे ग्राफ है जिनका डोमेन आर है, बाकी बचे हुए दोनों का तो नहीं है ना। किसी में ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू हटाना पड़ता है तो किसी में मल्टीपल ऑफ पाई हटाना पड़ता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, क्लियर है बच्चों? तो इस पॉइंट को भी याद रखना, इससे ये कंक्लूड नहीं करना है, इसका मतलब क्या है, दिस डज नॉट इंप्लाइज डोमेन इज आर। आई होप समझ में आया होगा, काफी स्ट्रेस दिया, ठीक है। चलो अब एक और नोट लिखते हैं हम। मैंने बोला कि अगर मान लो कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि प्रूव दैट इट इज पीरियोडिक, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मान लो मुझे बोला गया, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं, कैसे बनेंगे वो हम देखेंगे आगे चल के। मैंने बोला कि कोई तुम्हें एक क्वेश्चन दिया एफ एक्स के टर्म्स में, कुछ एफ एक्स लिखा, उसने फंक्शन की डेफिनेशन दे रखी और बोला कि प्रूव दैट इट इज पीरियोडिक। चलो फंक्शन की डेफिनेशन दे भी रखी तो भी मैं एक जनरल स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि अगर मान लो मुझे कोई फंक्शन प्रूव करना है किसी क्वेश्चन में कि फंक्शन इज पीरियोडिक, तो मैं क्या करूं, मुझे क्या चाहिए, मतलब मैं एट लास्ट क्या प्रूव कर दूं, क्या इक्वेशन होल्ड कर जाए सो दैट आई कैन कमेंट कि हाँ इट इज पीरियोडिक, तो वो लिख रहा हूँ। तो हम क्या करें, हम कि हम जो जो भी उसने डाटा दे रखा है उस डाटा डाटा से हम क्या एक्सट्रैक्ट कर लें, केवल हम एक इक्वेशन ऑब्टेन कर लें, दैट इज एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी। एक बार ये इक्वेशन मिल गई कैसे भी करके, मैनिपुलेशन करके जो भी हमें कैलकुलेशन करना है, तो हम उस क्या बोलेंगे, दैट इज पीरियोडिक। तो मैंने बोला टू प्रूव, नोट करके लिख लो इसको, टू प्रूव, टू प्रूव एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक, टू प्रूव एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक, देन एनी हाउ देन ऑब्टेन ऑब्टेन द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस कैपिटल टी, ठीक है। समझ में स्टेटमेंट क्या बोला, मैंने कहा कि अगर कोई एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है उसमें बोला है कि प्रूव दैट एफ एक्स इज पीरियोडिक, लेट्स से बोर्ड एग्जाम है हमारा और हमारे पास एग्जाम में आया है कि प्रूव दैट एफ एक्स इज पीरियोडिक, तो हमें क्या ऑब्टेन करना होगा फाइनली, एक इक्वेशन, ये इक्वेशन। अगर हमने किसी भी तरीके से ये इक्वेशन मिल गई हमें जो भी डाटा दिया उसके अकॉर्डिंग, तो हम बोल देंगे हैंस दिस इज पीरियोडिक, मतलब इसके बाद हमें फर्दर कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, एक बार ये इक्वेशन मिली हम लिखेंगे हैंस द फंक्शन इज पीरियोडिक, ऐसे लिखेंगे सिंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी देयरफॉर फंक्शन इज पीरियोडिक, और फिर लिख देंगे पीरियड इज टी, अगेन उसमें हम ये नहीं लिखेंगे फंडामेंटल पीरियड इज टी, ठीक है ना, पीरियड टी लिखेंगे, क्लियर है। चलो अब सुनना, अब मैंने बोला इसी के आधार पे एक एग्जांपल कर लेते हैं तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी कि किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। तो सब लोग एक एग्जांपल लिखो, मैं इधर लिख लेता हूं, देखना, लेट एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाइज, लेट एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाइज, एक इक्वेशन दे रखी है उसने एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस टेन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस फाइव प्लस एफ ऑफ x plus 15 for all x belonging to domain of R to prove that fx is periodic, to prove that f of x is periodic, ठीक है, हमें f of x periodic प्रूव करना है। तो अभी जैसे मैंने तुम्हें बोला कि हमें ये एकमात्र इक्वेशन दे रखी है हमें, इसी से सब कुछ करना है हमें। अच्छा अभी तो इधर क्या है कि इधर भी लेफ्ट हैंड साइड भी दो एफ दे रखा है, इधर भी दो एफ दे रखे हैं, बट जो हमें प्रूफ करना है, जैसा कि मैंने बताया कि अगर मुझे कोई फंक्शन पीरियोडिक प्रूफ करना है तो मुझे ऐसे इक्वेशन चाहिए, मतलब एलएचएस में भी एक एफ चाहिए और आरएचएस में भी एक एफ चाहिए, तो इधर तो दो दो है, तो अब मैं क्या मैनिपुलेशन लगाऊं सो दैट एक एक एफ दोनों साइड कैंसिल हो जाए, बिकॉज करना है वो इसी से करना है, इसी इक्वेशन के साथ हमें खेलना है, क्यों, क्योंकि ये एकमात्र इक्वेशन है हमारे पास। तो वीडियो पॉज करो, तुम दो मिनट के लिए सोचो, दो मिनट पांच मिनट जैसा भी तुम्हें लगता है, मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, सुनना। अब क्या किया उसने, क्या लिखा है कि ये जो इक्वेशन है ना ये एफ एक्स सेटिस्फाई कर रहा है फॉर ऑल एक्स, इसका मतलब एक्स कुछ भी डाल सकता हूँ, तो लेट से मैंने क्या किया इसमें एक्स की जगह एक्स प्लस फाइव डाला। अगले स्टेप में तुम्हें समझ में आएगा ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, एक्स की जगह एक्स प्लस फाइव ही क्यों डाल रहा हूँ, टेन क्यों नहीं डाल रहा, इलेवन क्यों नहीं डाल रहा, ट्वेल्व क्यों नहीं डाल रहा, बिकॉज ऐसा डालने से क्या होगा ना हमारे टर्म्स कैंसिल आउट होंगे, कैसे होंगे डाल के देखते हैं। तो मैंने कहा तो इधर मेरा क्या आया, x की x plus 5 लिखूंगा तो इधर आया f of x plus 5 plus f of इधर x plus 5 लिखूंगा तो x plus 15 plus sorry is equal to फिर f of x plus 5 डालूंगा तो 5 x plus 10 आएगा,
प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 20 आएगा। दिस इज माई इक्वेशन टू, और ये मेरी लेट से 1 दे रखी थी। अगेन अगर मान लो इस इधर अब मान लो इसके बाद तुम्हें प्रोसीड करना, तो अगेन बहुत सा वीडियो, अब सोचो इन दोनों इक्वेशन से मैं क्या करूँ, ये दो इक्वेशन है मेरे पास, मुझे ऐसा रिलेशन चाहिए कि सारे एफ कैंसिल हो जाए, केवल एल एच एस में एक बचे और आर एच एस में एक बचे। मैं भी बता रहा हूँ, तुम लोग वीडियो पॉज करके अगेन सोच सकते हो। क्या कर रहे हैं हम, दोनों को ऐड कर रहे हैं। सिंपली आई विल ऐड दो इक्वेशन। देखो ऐड करेंगे तो क्या होने वाला है, एफ एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस, जैसे इन दोनों को ऐड किया था, एल एच एस में क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 10, आर एच एस में भी एफ ऑफ एक्स प्लस 10 है, तो ये इससे कैंसिल। इधर एफ ऑफ एक्स प्लस 5 है एल एच एस में, और आर एच एस में भी हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस 5 आएगा ऐड करने, वो कैंसिल। इधर हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस 15 है एल एच एस में, आर एच एस में हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस 15 है, वो भी कैंसिल। तो फाइनली एल एच एस में क्या बचेगा, ये तीनों टर्म कैंसिल हो गई चार में से, तो क्या बची, एफ ऑफ एक्स। और उस साइड हमारा ये तीनों टर्म कैंसिल हो गए, क्या बचा, एफ ऑफ एक्स प्लस 20। तो बस किस्मत से हमें मिल गया जो चाहिए था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 20। इसका इससे क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज पीरियोडिक विद पीरियड 20। क्लियर है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, नोट इट डाउन अच्छे से, और अगर नहीं आता है तो फिर पूछ सकते हो तुम उससे, ठीक है ना। और अगर किसी को ऑल्टरनेटिव अप्रोच लगता है कि नहीं ऐसे भी सोच सकते हैं, तो डेफिनेटली सोल्यूशन आर वेलकम। चलो अब हम स्टार्ट, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ठीक है। चलो तो पॉज द वीडियो, कॉपी करो, मैं इसको रब कर देता हूं। अब हम देखते हैं रूल्स टू फाइंड पीरियड। अब हमें फंक्शन दे रखा है, पीरियड कैसे निकालेंगे, अभी तक जो पढ़ा वो तो इंट्रोडक्शन पढ़ा कि फंक्शन पीरियोडिक कब होता है, कैसे प्रूफ करते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ किसी फंक्शन का पीरियड कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, ठीक है ना, उनको हम लिखते हैं। तो लिख लो रूल्स टू फाइंड पीरियड ऑफ अ फंक्शन, रूल्स टू फाइंड पीरियड, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं, मैंने कहा कि एफ एक्स का पीरियड दिया है, और फिर हम उससे फर्दर डिफरेंट जो फंक्शंस होंगे हमारे आफ्टर मैनिपुलेशन आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, उनके पीरियड्स लिखेंगे। तो फॉर एग्जांपल पहले मैं लिख रहा हूं, लेट एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक विद पीरियड कैपिटल टी, ठीक है ना, एफ एक्स जो है मेरा वो पीरियड है कैपिटल टी का। अब मैं इसके बाद फर्दर कंक्लूड कर रहा हूं, देन सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखो अगर मान लो किसी फंक्शन का पीरियड टी है, क्या मैं अगर मैंने उसको उस फंक्शन को मान लो ए अल्फा यूनिट्स आगे खिसकाया या अल्फा यूनिट्स पीछे खिसकाया, तो क्या उसका पीरियड चेंज होगा, नहीं होगा। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, एफ ऑफ एक्स जो भी फंक्शन है उसको मैं आगे शिफ्ट कर रहा हूँ या पीछे शिफ्ट कर रहा हूँ किसी भी यूनिट से, तो क्या पीरियड चेंज होगा, नहीं होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस लेट से ए बोल दिया मैंने, उस जिस यूनिट से मैं खिसका रहा हूँ, इसका पीरियड और एफ एक्स का पीरियड, इसका भी अभी टी रहेगा, तो दिस अभी और लिख रहे हैं हम कॉमा, और किस किस का रहेगा दिस कॉमा। अब सुनना, अगर मैं उस ग्राफ को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा हूं या नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहा हूं, जैसे साइन एक्स में 2 ऐड कर रहा हूं या 2 सबट्रैक्ट कर रहा हूं, तो उसके पीरियड पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, एफ ऑफ एक्स प्लस लेट से ए की जगह ए, चलो ये लिख रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या है, हमने फंक्शन को ऊपर ए यूनिट शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा और लिख रहे हैं अभी हम, फिर मैंने लिखा किसी फंक्शन को अगर मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, उससे क्या होता है, वो y एक्सिस में स्केल होता है ना, x एक्सिस में तो अभी वही रहता है पीरियड। जैसे मैंने लिखा साइन x का पीरियड क्या है, 2π, 2 साइन x का क्या होगा, अगेन 2π, 2 साइन x से क्या होगा, उसका एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा, उसका हाइट चेंज हो जाएगा, x एक्सिस में तो जो रिपीटेशन का टाइम पीरियड है वो तो 2π रहेगा। तो क्या लिखूंगा, a टाइम्स एफ एक्स कॉमा, अभी कंप्लीट नहीं, मैंने बोला अगर कोई एफ एक्स का पीरियड टी है तो रूट एफ एक्स का क्या होगा, तो जब एफ एक्स टी बाद रिपीट करेगा तो रूट के अंदर लिखी वो चीज, तो कोई दिक्कत नहीं, रूट ऑफ एफ एक्स क्या होगा, वो भी टी टाइम बाद रिपीट करेगा, तो मैं क्या बोलूंगा, रूट ऑफ एफ एक्स कॉमा लास्टली 1/fx। ये तो समझ लो, क्योंकि ऑफकोर्स जब एफ एक्स रिपीट कर रहा है मतलब टी टाइम बाद, तो 1/fx भी करेगा, जैसे अल्फा, जैसे इधर साइन एक्स लिखा है एफ एक्स के आगे, तो साइन एक्स 1/sin x है, ठीक है, तो साइन एक्स रिपीट कर रहा है, तो इसकी जो 1 तो कांस्टेंट है, तो ओवरऑल क्या होगा, ये फंक्शन भी वैल्यू सेम देगा टी टाइम बाद। तो ये सब फंक्शन जो लिखे मैंने आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, क्या लिखा, ए यूनिट्स आगे पीछे शिफ्ट किया, ऊपर नीचे शिफ्ट किया, स्केल किया वाई एक्सिस में, ये रूट एफ एक्स या 1/fx, ऑल दीज विल हैव पीरियड कैपिटल टी, बहुत इंपॉर्टेंट,
ठीक है ना, जो अगर एफ एक्स का पीरियड टी है तो इन सभी का पीरियड टी होगा, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो फ्रिक बहुत ज्यादा जगह अभी यूज होगा हमारा, सुनना क्या है वो, कि एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का पीरियड। देखो दिक्कत चेंज कब होगा, जब हम एक्स एक्सिस में स्केल करेंगे। देखो वाई एक्सिस में स्केल करने पे कोई दिक्कत नहीं थी, बट इधर क्या है, देखो बी से तो शिफ्ट होगा, बी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी से थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा पीरियड पे, लेकिन हाँ एक्स एक्सिस में स्केल किया है तब फर्क पड़ेगा। अब खुद सोचो, जैसे हमारा साइन एक्स होता था, जैसे मैंने बोला साइन एक्स होता था, ये लेट्स से दिस इज माय साइन एक्स पाई टू पाई, जब मैंने बोला साइन टू एक्स तो क्या करते थे हम, साइन टू एक्स जब के ग्रेटर देन 1 होता था तो कंप्रेस हो जाता ना ग्राफ, तो जब कंप्रेस होगा तो क्या होगा, बेसिकली पीरियड कम होगा ना, समझ में आ रहा है। जैसे अब मैंने ये तो मेरा साइन एक्स हो गया, अब मैंने बोला साइन टू एक्स, तो यहां तक मेरे को एक पूरी साइकिल करनी पड़ी कंप्लीट। अब पीरियड क्या हो गया, पाई, पहले पीरियड टू पाई था, पीरियड कितना हो गया ये टू पाई, सॉरी पाई, तो आया कैसे, बेसिकली इसका जो टाइम पीरियड था टू पाई उसको मैंने k से डिवाइड किया, और k की वैल्यू इधर क्या थी, टू साइन की एक्स, सॉरी साइन टू एक्स में ये टू था, तो टू पाई अपॉन k आया। तो इसी प्रकार मैं इसके लिए क्या लिख सकता हूं, जो एफ एक्स का पीरियड है वो अपॉन x जिस पॉइंट से स्केल किया है, a से किया है तो नीचे आ जाएगा मॉड ऑफ a, मॉड इसलिए लिखेंगे बिकॉज a नेगेटिव भी हो सकता है, तो आई विल पुट अ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, x एक्सिस में स्केल करेंगे तो t अपॉन मॉड ऑफ a आ जाएगा पीरियड, क्लियर है बच्चों, ठीक है। चलो मैं आगे बढ़ूंगा, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके बेसिस पे, छोटे छोटे, और जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे वो हम आखिरी में देखेंगे, ठीक है। चलो इसको कॉपी कर लो तुम लोग, ठीक है ना, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का पीरियड टी अपॉन मॉड ए होगा, और बाकी जो भी मैंने 1, 2, 3, 4, 5 इन फंक्शंस का पीरियड टी रहेगा, वाई एक्सिस में स्केल करने से, वाई एक्सिस में शिफ्ट, एक्स एक्सिस में शिफ्ट करने वगैरह से नहीं होगा। हाँ एक्स एक्सिस में स्केल करेंगे तब टाइम पीरियड चेंज होगा, एंड टाइम पीरियड विल बी टी अपॉन मॉड ऑफ ए, क्लियर है। चलो अब आते हैं इसके कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे मैंने लिखा साइन ऑफ एक्स प्लस कुछ भी लिख लिया 5, व्हाट इज द पीरियड, साइन एक्स का जो पीरियड होता है उसी का वही पीरियड इसका होगा, साइन एक्स का हमें पता है द पीरियड इज 2 पाई। अगर तुम ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख लो बेसिक फंक्शन उसके पीरियड, अगर इफ यू वांट टू राइट इट अगेन, वैसे हम ऑलरेडी करा चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री के, बट बेसिक फंक्शंस एक टेबल बनवाई थी मैंने, बेसिक फंक्शंस जो हमें फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, चलो इधर लिख लेते हैं पहले, उसके बाद हम इसको अटेम्प्ट करते हैं। मैंने बोला बेसिक फंक्शंस विद द पीरियड, तो साइन x, cos x कितना होता है पीरियड 2 पाई, tan x, cot x the period is पाई, और cosec x, sec x the period is 2 पाई, और एक और जो ज्यादा यूज होगा वो होगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, पीरियड इज 1 यूनिट, 1 यूनिट बाद शिफ्ट होता है ना ग्राफ, तो ये याद रखो एकदम दिमाग में रखो, क्योंकि फिर हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आसानी होगी, वैसे भी ये बहुत बार हो चुका है हमारा, कवर अप हो चुका है पीरियड ऑफ दिस फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्रिक। अच्छा जैसे अभी इधर भी देख रहे हो, जैसे ये मेरा एफ एक्स है साइन एक्स, तो ये क्या है 1/fx, तो अभी मैं लिखवाया था एफ एक्स का पीरियड टी है, तो 1/fx का पीरियड भी टी होता है, तो ये इधर भी ट्रू है, ठीक है ना। चलो अब हम आते हैं इस पे, तो साइन ऑफ एक्स प्लस 5 का पीरियड क्या होगा, वो होगा जो साइन एक्स का होगा, और साइन एक्स का क्या होता है 2 पाई, हैज द पीरियड इज 2 पाई। मैंने ऐसे लिख दिया साइन एक्स प्लस 64 पीरियड विल बी, ठीक है लिखा एफ ऑफ एक्स 64 यूनिट ऊपर शिफ्ट किया पीरियड में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो साइन एक्स का जो पीरियड है विच इज अगेन 2 पाई। फिर मैंने लिखा रूट साइन एक्स, तो रूट एफ एक्स का पीरियड भी क्या होगा, जो एफ एक्स का होगा, तो इट विल बी 2 पाई ओनली, क्लियर, समझ में आ रहा है बच्चों। अच्छा फिर मैंने लिखा और हमने क्या देखा था 1/sin x, मतलब cosec x उधर हो गया, चलो ये ठीक है। फिर मैंने लिखा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 23 पीरियड क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट में कुछ भी नंबर ऐड करो तो पीरियड विल बी 1 ओनली, क्योंकि क्या एफ ऑफ x प्लस 23 यूनिट्स पीछे की तरफ शिफ्ट किया ना हमने, सॉरी आगे की तरफ प्लस 23 किया है, तो शिफ्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका पीरियड क्या होगा, जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड होगा। फिर मैंने लिखा, अब देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग करते हैं, 2x प्लस 3/5 इसका पीरियड, जस्ट थिंक इट, ठीक है ना, इसका खुद से लिखो एक बार ट्राई करो, ठीक है। अब मैं इसका बताने जा रहा हूं, मैंने क्या लिखा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, इसको क्लियरली लिख देता हूं 2x + 3/5। पहले मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा, ऐसे लिखा 2/5 × x + 3/5,
अब सुनो, इसका जो पीरियड होगा वही पीरियड इसका होगा 2 by, अच्छा चलो नहीं तो ये तो डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, दिस इज एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वेयर माय एफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ए इज इक्वल टू 2/5 एंड बी इज इक्वल टू 3/5। देखो सही लिखा है क्या, दिस इज माई एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वेयर माई एफ एक्स इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ए इज 2/5 बी इज 3/5। तो इसके हिसाब से मेरा एफ ऑफ एक्स का पीरियड क्या होता है, जो एफ का पीरियड होता है टी अपॉन मॉड ऑफ ए, और टी एफ का पीरियड क्या है, एफ इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, पीरियड इज 1 और मॉड ऑफ ए मतलब मॉड ऑफ 2/5 तो 2/5 भाई ऊपर चला गया, तो बेसिकली 2.5 आया इसका पीरियड। तो अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, शिफ्टिंग हुआ, स्केलिंग हुआ एक्स वाई एक्सिस में, उन सबसे फर्क नहीं पड़ेगा, रूट वूट लेने से केवल एक्स का कोफिशिएंट देखेंगे चेंज हुआ क्या हमारा। अगर चेंज हुआ, अगर एक्स का कोफिशिएंट के हो गया तो हम क्या करेंगे, के से डिवाइड कर देंगे ओरिजिनल फंक्शन के टाइम पीरियड को। क्लियर है, समझ में आया बच्चों? चलो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब हम नेक्स्ट रूल पे जाते हैं। अब देखते हैं दो फंक्शंस का एडिशन डिफरेंस मल्टीप्लिकेशन पीरियोडिक किस पीरियड से होगा। तो लिख लो नोट पहले, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूं। दिस इज माय नेक्स्ट नोट। मैंने बोला इफ एफ एक्स, अब मैं लैंग्वेज फॉर्म में लिख रहा हूं, तुम लैंग्वेज फॉर्म में लिखो। मैंने कहा इफ एफ एक्स इज हैविंग पीरियड टी वन एंड जी ऑफ एक्स इज हैविंग पीरियड टी टू, यू राइट इन वर्ड्स कि वी हैव टू फंक्शंस एफ एक्स एंड जी एक्स, एफ एक्स इज हैविंग पीरियड टी वन, gx is having period t2, then the period of the function, then the period of the function fx plus minus gx comma fx into gx ya fir fx divided by gx, all these three will have period as LCM of T1 comma T2. Very important. First note it down, फिर हम इसके ऊपर illustration देखेंगे, ठीक है ना? Actually क्या बोल रहा है ये? और LCM लेना भी एक बार recall करेंगे, हमने LCM already पहले सीखा हुआ है, but एक बार आप recall भी करेंगे हम LCM कैसे लेते हैं two numbers का, ठीक है? तो पहले video pause करके इतना statement लिख लो, ठीक है? चलो अब मैं questions पे आता हूँ। क्या बोला इसने कि let's say मैंने ऐसे लिखा, example मैंने लिखा sin x plus cos x, so what you will say, इसका period कितना है 2π, इसका period कितना है 2π, तो इन दोनों का LCM will be the period of this complete function, तो क्या हो जाएगा हमारा 2π, ठीक है? इन दोनों का LCM क्या होगा 2π। अच्छा उससे पहले एक चीज और कर लेते हैं, हम पहले LCM देख लेते हैं, ठीक है ना? और ये जो LCM वाला पार्ट है मैंने ऑलरेडी क्लास में तुम लोगों का लिया है, ठीक है ना? क्या होता है LCM की मतलब क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल, जैसे मैंने लिखा LCM, ऐसे लिख लो LCM ऑफ, ये ऑलरेडी कर चुका है, LCM ऑफ टू नंबर्स विल बी इंटीग्रल, लीस्ट कॉमन लिख लो, लीस्ट कॉमन इंटीग्रल मल्टीपल इज इंपॉर्टेंट, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ईच अदर, लीस्ट विल बी द लीस्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ईच अदर। मैं स्ट्रेस किस पॉइंट पे दूंगा, इधर इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2, 4, इनका एलसीएम क्या होगा, ऑफकोर्स 4, क्योंकि 4 क्या है, इन दोनों का इंटीग्रल मल्टीपल है ना, 4 को मैं लिख सकता हूं, इसका इंटीग्रल मल्टीपल कैसे हुआ 4 into 1 इज इंटीजर, इसका इंटीग्रल मल्टीपल कैसे हुआ 2 into 2, तो 2 टाइम्स दिस, मतलब इंटीजर टाइम्स दिस, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस, तो दिस 4 इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बोथ, हेंस 4 इज एलसीएम ऑफ दीस टू। जैसे मैंने लिखा 3, 6, तो क्या आएगा हमारा 6 ही आएगा, क्यों, बिकॉज 6 इज व्हाट, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 6 as well as this 6 is integral multiple of 3, so this ye 6 kya hai hamara sabse chota integral multiple of these both numbers, hence 6 is what LCM of these two। ab hum thoda irrational ki taraf move karte hain, main likha 1, √2, ab socho pause karke video and keep this thing in mind, ye t1 hai ye t2, kya in dono ka LCM aayega, nahi aayega LCM nahi aayega, kyon, kyunki koi aisa number milega hi nahi mujhe jo एट द सेम टाइम इसका भी इंटीग्रल मल्टीपल हो एंड इसका भी इंटीग्रल मल्टीपल हो,
समझ में आ रहा है? सो एलसीएम ऑफ दीज टू इज नॉट पॉसिबल. सो रैशनल एंड इरेशनल नंबर स्टेटमेंट ऑल्सो तुम लिख सकते हो, एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर का कभी भी एलसीएम नहीं ले सकते, ठीक है ना? क्योंकि खुद सोचो, अगर मैंने रूट टू का कोई इंटीग्रल मल्टीपल लिया तो वो वन का इंटीग्रल नहीं होगा मल्टीपल. तो हमें क्या चाहिए? ऐसा नंबर जो इन दोनों का इंटीग्रल मल्टीपल हो. ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है ना? चलो मैंने, चलो और एग्जाम्पल ले लेते हैं. मैंने लिखा रूट टू कॉमा टू रूट टू. अब बताओ दिस, इन दोनों का एलसीएम पॉसिबल है? हाँ अब पॉसिबल है. क्यों? इन दोनों का एलसीएम क्या होगा मेरा, पहले लिख लेता हूं. एलसीएम इज टू रूट टू. नाउ दिस टू रूट टू इज वॉट? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस टू रूट टू वन टाइम्स, एंड दिस टू रूट टू इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस ऑल्सो टू टाइम्स. हैंस दिस टू रूट टू इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बोथ दिस टू. हैंस दिस इज वॉट एलसीएम ऑफ दिस टू. तो इधर से क्या कंक्लूजन निकला? हमारा इरेशनल प्लस दोनों, दो अगर इरेशनल है तो उनका एलसीएम एग्जिस्ट करता है. बट दिस इज पार्शियली करेक्ट. क्यों? जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया रूट टू कॉमा पाई. अब बताओ एलसीएम. चलो उससे पहले मैंने एक ऐसा लिया, वो जी ज्यादातर यूज होंगे टू पाई और थ्री पाई. इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? इन दोनों का एलसीएम होगा सिक्स पाई. यू कैन सी कि सिक्स पाई जो है वो इसका भी इंटीग्रल मल्टीपल है टू टाइम्स दिस, प्लस जो सिक्स पाई है वो टू पाई का भी इंटीग्रल मल्टीपल है थ्री टाइम्स. Hence this is what integral multiple of both the numbers. Hence this is what LCM of these two. तो ये irrational plus irrational का period आ गया. इधर भी हमारा root two और two root two irrational irrational का period आ गया. But इधर root two comma pi में इधर लिख लेता हूँ इसको root two comma pi. इन दोनों के LCM की बात करते हैं. मैंने बोला root two comma pi का LCM क्या होगा? तो again this does not exist. तो इन दोनों से कुछ statement निकला. देखो इसका तो स्टेटमेंट क्लियर है जो मैंने क्रॉस लगा रखा है कि एक रैशनल प्लस एक इरेशनल नंबर होगा तो उसका एलसीएम कभी नहीं आएगा, पक्की बात है वो तो. बट अगर दोनों इरेशनल नंबर हैं तो आ भी सकता है नहीं भी आ सकता. दैट डिपेंड्स कि जो इरेशनलिटी है वो दोनों नंबर्स में सेम टाइप की है या डिफरेंट टाइप की है. अगर सेम टाइप की इरेशनलिटी है तो आ जाएगा, डिफरेंट टाइप की इरेशनलिटी है क्योंकि एक पाई टाइप की इरेशनलिटी एक रूट टू टाइप की तो नहीं आएगा. क्लियर हुआ बच्चों? तो मेक ए स्टेटमेंट ऑल्सो दिस कि पहले एक स्टेटमेंट क्या लिखोगे जो तुमने शायद लिख भी लिया होगा अभी, एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर का क्या होता है हमारा एलसीएम कभी कभी नहीं आता. और दो इरेशनल नंबर का एलसीएम आता कब है? जब वो इरेशनलिटी सेम टाइप की हो, इसको लिखना है प्रॉपर. और कब नहीं आएगा? वेन द इरेशनलिटी इज ऑफ डिफरेंट टाइप बिटवीन टू इरेशनल नंबर, ठीक है? चलो तो वीडियो पॉज करो, कॉपी करो. अब हम कुछ इलस्ट्रेशंस देखेंगे इसके ऊपर और फिर देखेंगे हम कंपोजिट फंक्शन का पीरियड. हाँ तो ये होगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. मैंने लिखा फाइंड पीरियड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन टू एक्स. तो वीडियो पॉज करो, तुम लोग करो, मैं इसको बताता हूँ भाई. हालांकि बहुत छोटा सा पार्ट है. क्या करना हमें? दिस इज एफ एक्स प्लस जी एक्स. एफ एक्स का पीरियड पता है हमें क्या होता है? टू पाई साइन एक्स है. अच्छा अब ये साइन टू एक्स लिखा है तो अब इसमें वो चीज लगाओ. पहले साइन टू एक्स का पीरियड क्या होगा? जो साइन एक्स का पीरियड होगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि f ऑफ 2x लिखा है. f ऑफ ax प्लस b में क्या होता है? x को अगर स्केल करते हैं तो जो ओरिजिनल टाइम पीरियड होता है उसको t से डिवाइड करते हैं. तो इसका पीरियड क्या होगा? 2 पाई अपॉन 2. दिस इज t, दिस इज a, t अपॉन मोड a. बिकॉज अगर ये fx है तो ये f ऑफ 2x है. तो ये 2 पाई हो गया, ये पाई हो गया. बेसिकली दिस इज पाई. तो 2 पाई और पाई का एलसीएम क्या होगा हमारा? 2 पाई. तो ओवरऑल फंक्शन क्या होगा? पीरियड ऑफ दिस फंक्शन विल बी 2 पाई. क्लियर है बच्चों? इन दोनों का एलसीएम 2 पाई क्यों होगा? बिकॉज 2 पाई इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस एज वेल एज दिस. और देखते हैं, जैसे मैंने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू, चलो कॉस एक्स प्लस कॉस 2x प्लस कॉस 3x. निकालो पीरियड तुम लोग, मैं इधर लिख रहा हूँ. इसका पीरियड कितना हुआ? 2 पाई. इसका पीरियड 2 पाई बाय 2, तो चलो ऐसे लिख लो 2 पाई बाय 2. और इसका क्या होगा? 2 पाई बाय 3. तो ओवरऑल पीरियड क्या होगा? अच्छा एक चीज और, मैंने एक चीज अभी एलसीएम और उसके ऊपर एक चीज और लिखना है. एक नोट मेरे को इस एग्जांपल से याद आया, एक नोट करके और लिखो पहले. अबाउट एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस, तो लिख लो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन. मतलब एल फ्रैक्शन मतलब जैसे एक ले लिया मैंने 2/3, एक 4/5 एंड सो ऑन. इंटीजर्स का तो पता है एलसीएम क्या होता है, हमें निकालना आता है. बट व्हाट अबाउट फ्रैक्शंस? क्योंकि अभी हमें क्या है, ये फ्रैक्शंस हैं, इनका एलसीएम की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, तो लिख लो पहले एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू लिखो एलसीएम
ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एच सी एफ ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर एच सी एफ ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, समझ में आया। तो इसके आसार पे अब इसका आंसर तुम लिख लिखो, ठीक है, इसके आधार पे तो 2 पाई न्यूमरेटर में क्या, इधर कह रहे थे इधर इसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, 1 हो गया। अब न्यूमरेटर में क्या लिखा है, 2 पाई 2 पाई 2 पाई, तो 2 पाई 2 पाई 2 पाई का एलसीएम क्या होगा, 2 पाई ही होगा, बिकॉज़ 2 पाई इज मल्टीपल ऑफ ऑल द ऑल दीस 2 पाई। अब मैंने कहा 1 2 और 3, इन तीनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1 हैज 1, तो 2 पाई क्या हो गया हमारा इस फंक्शन का पीरियड, ठीक है ना। सीईटी वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, sin x + cos 2x cos 3x दे दिया तो पूछा पीरियड क्या है, समझ में आया बच्चों। अच्छा अब देखो मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, थोड़ा सा देखना, अच्छा एग्जांपल, साइन ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, वीडियो पॉज करो सोचो क्या होगा। इसका पीरियड साइन x का पता है कितना होता है, 2 पाई, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का क्या होता है, 1। अब आएगा एलसीएम वाला पार्ट इंपॉर्टेंट, ये तो एक रैशनल है ये एक इरेशनल है, क्या इन दोनों का एलसीएम पॉसिबल है, नहीं है, हैंस इसका एलसीएम पॉसिबल नहीं है, और मुझे पता है पीरियड क्या होता है, एलसीएम ऑफ दीस टू, हैंस दिस इज नॉन पीरियोडिक, नॉट पीरियोडिक, नॉट पीरियोडिक, समझ में आया बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब हम एक काम करते हैं कंपोजिट फंक्शन का और डिस्कशन ले लेते हैं, तो थियरी पार्ट ऑलमोस्ट ओवर हो जाएगा हमारा और फिर हम इलस्ट्रेशंस लेंगे, ठीक है, ओके चलो ऐसे ही करते हैं। और एक चीज और रहेगी, एक चीज और मेरे को लगता है, एक चीज और मैं बता देता हूं तुम लोगों को, जैसे मैंने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू 5, ये क्या मेरा कांस्टेंट फंक्शन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, व्हाट अबाउट द पीरियड ऑफ दिस, इज इट पीरियोडिक, पहली बात क्या ये पीरियोडिक है, तो आंसर मिलेगा पीरियोडिक है, हम कैसे जज करते हैं, बेसिक डेफिनेशन, वो बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, एफ ऑफ एक्स प्लस टी दिस शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब मैंने इसमें एफ ऑफ एक्स प्लस वन निकाला तो क्या आया मेरा, 5 ही आएगा, बिकॉज दिस इज अ कॉन्स्टेंट फंक्शन, चाहे तुम एफ एक्स की वैल्यू एक्स पे देख लो या फिर एक यूनिट पीछे देख लो, 5 भी आने वाली है। अच्छा तो इन दोनों इक्वेशन से क्या मिला मुझे कंक्लूजन, एफ एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस वन के बराबर है, तो फंक्शन क्या है, पीरियोडिक है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि दिस इज पीरियोडिक विद पीरियड 1 बोलना भी करेक्ट है। बट अब मैं आता हूं, जब भी हमारा पीरियड टी निकलता था हम क्या करते, आधा करके देखते टाइम पीरियड, तो मैंने कहा एफ ऑफ एक्स प्लस 0.5 निकाला तो क्या आएगा, वो भी 5 आएगा। अब इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकला, फंक्शन इज पीरियोडिक विद पीरियड 0.5। फिर मैं इसका और छोटा करता जाऊं, यू विल सी कि करते जाओ इसको छोटा जितना करना है, लेट्स से 0.0000 कुछ भी कर लो, 1 प्लस एक्स, अगेन दिस विल बी इक्वल टू 5 ओनली, तो इन दोनों का पीरियड क्या होगा, 5। तो फॉर सच सच फंक्शन विच आर कॉन्स्टेंट क्या बोलेंगे, पीरियोडिक तो है ये फंक्शन, बिकॉज बेसिक डेफिनेशन तो फॉलो हो रही है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस थ्री, बट इनका फंडामेंटल पीरियड डिफाइन नहीं है, तो मेक अ नोट ऑफ इट कि फॉर अ कॉन्स्टेंट फंक्शन ऐसे लिख लो, कॉन्स्टेंट फंक्शन आर पीरियोडिक बट देयर फंडामेंटल पीरियड इज नॉट डिफाइंड, समझ में आ रहा है, हम छोटा करते जाए हमेशा रहेगा वो, तो पीरियड वो हमेशा बराबर रहेगा, बट इसलिए हम कब रुक जाते हैं, जब छोटा करते हैं लेकिन मालूम चला कि जैसे हमने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का समझाया था, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 4 से स्टार्ट किया था, फिर 3, 2, 1 तक ठीक था, फिर 1 के बाद जैसे मैंने हाफ किया तो वो बराबर नहीं आ रहा था, इसका मतलब 1 इज द फंडामेंटल पीरियड, बट इधर तो तुम बढ़ते जाओ छोटा करते जाओ हमेशा बराबर आता रहेगा, क्लियर है बच्चों। तो इसको कॉपी कर लो, ये इंपॉर्टेंट नोट है, लिख लेना इसको कि कॉन्स्टेंट फंक्शन इज पीरियोडिक बट फंडामेंटल पीरियड इज नॉट डिफाइंड। चलो अब हम लिख लेते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन, पीरियोडिसिटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन मतलब एफ ऑफ जी एक्स की बात चल रही है, तो उसमें मैं पहला ले रहा हूं, फर्स्ट इफ जी एक्स इज पीरियोडिक विद पीरियड पीरियड कैपिटल टी, देन माय कंपोजिट फंक्शन दैट इज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स will also be periodic with period capital D. ठीक है ना, समझ में आया क्या इसका मतलब, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा साइन ऑफ साइन एक्स,
दिस इज वॉट माई एफ ऑफ जी एक्स, ये मेरा एफ है, ये मेरा जी है. तो इसने क्या बोला, एफ ऑफ जी एक्स में, एक मिनट के लिए एफ को भूल गया, एफ कुछ भी हो, अगर जो पीरियड जी एक्स का होगा वही एफ ऑफ जी एक्स का पीरियड होगा. तो इधर जी एक्स का पीरियड क्या है, 2 पाई है. इस फंक्शन का ओवरऑल पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई. समझ में आया. फिर जैसे मैंने लिखा e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो इधर एफ एक्स क्या है, e की पावर x, जी एक्स क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. अब मेरा जी एक्स क्या है, पीरियोडिक है विद द पीरियड 1, तो इसका पीरियड भी क्या हो जाएगा, 1. समझ में आ रहा है. जैसे मैंने लिखा ln ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो अगेन पीरियड क्या होगा मेरा, This is a, इसमें gx क्या है, fractional part of x, और gx क्या period 1 है, hence this f of gx will have the period as 1 only. समझ में आया, क्लियर हो बच्चों. चलो तो ये हो गया मेरा f of gx से रिलेटेड. अभी हम और एग्जाम्पल देखेंगे. पहले मैं f का एग्जाम्पल ले लो कि f अगर periodic है तो क्या होगा. ये तो मेरा हो गया gx अगर periodic है तो f of gx क्या होगा, period होगा same as that of period of g. ठीक है. अच्छा अब मैं next लिख रहा हूँ, इधर ही लिख लेता हूँ. मैंने बोला अब एफ एक्स पे ले रहा हूं, दिस इज माई सेकेंड. इफ एफ एक्स इज पीरियोडिक, पीरियोडिक विथ पीरियड टी, पीरियड टी, देन एफ ऑफ जी एक्स विल बी. अब इसमें थोड़े केसेस बनेंगे, देखना ध्यान से सुनना. देखो जब भी मेरा अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक है ना, एकदम दिमाग में बिठा लो, अंदर वाला अगर फंक्शन पीरियोडिक है तो पक्का ओवरऑल फंक्शन पीरियोडिक होगा, और उसका पीरियड क्या होगा, जो अंदर वाले फंक्शन का पीरियड था. दिस इज 100% करेक्ट स्टेटमेंट. बट एफ ऑफ जी एक्स में ऐसा नहीं है कि अगर एफ एक्स पीरियोडिक है तो हम डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कि एफ ऑफ जी एक्स पीरियोडिक होगा, नहीं, जरूरी नहीं है. अभी बताऊंगा कब नहीं होगा, पहले तो मैं वो लिख रहा हूँ कब होगा और उसका पीरियड क्या होगा. तो पहला पॉइंट कि अगर एफ एक्स पीरियोडिक है देन जी एफ ऑफ जी एक्स विल बी पीरियोडिक, will, तो यहां तक आ गया, will be periodic with period t upon mod a if gx is equal to is linear, that is ax plus b. और ये चीज ऑलरेडी इनडायरेक्टली हमारी कवर हो चुकी थी पहले. समझ में आया, क्या लिखा है ये, जैसे मैंने लिखा साइन ऑफ 3x plus 2. ठीक है, तो इधर मेरा f क्या है, साइन which is periodic विथ पीरियड कैपिटल टी विच इज 2 पाई, और जी एक्स मेरा क्या है, पीरियोडिक नहीं लीनियर है, तब मेरा क्या होगा, ये फंक्शन पीरियोडिक होगा. क्यों, क्योंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जी एक्स लीनियर एफ पीरियोडिक, जी एक्स लीनियर 10 बार बोल लो, जी एक्स लीनियर एफ एक्स पीरियोडिक. तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, जो बाहर वाला फंक्शन का पीरियड है उसको हम जो लीनियर में एक्स का कोफिशियंट है उससे डिवाइड कर देंगे, दैट इज 3, और टी हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू साइन इट इज 2 पाई. अब इसमें सब केस 2, मैंने क्या बोला कि एफ एक्स पीरियोडिक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि देन एफ ऑफ जी एक्स विल बी पीरियोडिक, पीरियोडिक विथ पीरियड टी वन इफ जी एक्स इज पीरियोडिक विथ पीरियड टी वन. समझ में आया क्या हुआ. अब मेरा क्या है ना, एफ भी पीरियोडिक है, जी भी पीरियोडिक है, तब पीरियोडिसिटी ओवरऑल फंक्शन की, दैट इज कंपोजिट फंक्शन की, कैसे डिसाइड होगी, जो पीरियड जी का होगा, मतलब अंदर वाला फंक्शन डोमिनेट कर रहा है इनडायरेक्टली. जैसे कि मैंने लिखा टेन ऑफ साइन एक्स, तो एफ का पीरियड पाई है, जी का पीरियड 2 पाई है, तो इधर मैंने क्या बोला, ये इसका ओवरऑल फंक्शन किससे डिसाइड होगा, जी से डिसाइड होगा. ठीक है ना, अगर जी एक्स पीरियड है तो फिर एफ को तो हम देखेंगे ही नहीं, ऐसे बोल लो, जी अगर पीरियोडिक है तो एफ को तो हम देखेंगे नहीं, भले वो पीरियोडिक हो या ना हो, मैं कोई मतलब नहीं, फंक्शन विल बी पीरियोडिक विद पीरियड एज 2 पाई हियर. क्यों, क्योंकि जी जो है अंदर वाला फंक्शन, दैट इज पीरियोडिक विद पीरियड 2 पाई. क्लियर है. अच्छा अब लास्ट वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑफकोर्स अब ये दोनों पीरियोडिक के हो गए, तो थर्ड वाला मैंने बोला लास्ट पॉइंट है, तो ऑफकोर्स नॉन पीरियोडिक होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि दिस विल Not be always periodic. तो periodic वाले तो दो केस लिख लिए. अब मैं लिख रहा हूं कि periodic कब नहीं होगा, will not be periodic if g of x is not linear as well as not periodic. समझ में आया क्या लिखा है. अब सुनना क्या लिखा है, ये
कि जो मेरा एफ ऑफ जी एक्स में, देखो ये जो ये स्टेटमेंट था वो कॉमन था सेकंड पॉइंट के लिए, ये एफ एक्स पीरियोडिक है। फिर मैंने क्या बोला कि एफ एक्स अगर पीरियोडिक है तो हम तुरंत नहीं बोलेंगे कि एफ ऑफ जी एक्स पीरियोडिक होगा, वो डिपेंड करता है जी एक्स क्या है। पहला पॉइंट में क्या था कि जी एक्स अगर लीनियर है तो उसका पीरियड हो जाएगा 2π/3। अगर जी एक्स पीरियोडिक है फिर एफ को भूल जाएंगे हम, जी एक्स की पीरियोडिसिटी से डिसाइड होगा। तीसरा पॉइंट क्या बोला है, इन दोनों को हटा दिया। क्या बोला कि अगर जी एक्स मेरा लीनियर नहीं है प्लस मेरा जी एक्स पीरियोडिक नहीं है, इन ऑल अदर केसेस एफ ऑफ जी एक्स विल बी नॉन पीरियोडिक, ऑल दो माई एफ एक्स इज पीरियोडिक बट सिंस जी एक्स इज नॉट लीनियर प्लस जी एक्स इज नॉट पीरियोडिक, देयरफॉर माई ओवरऑल फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स विल नॉट बी पीरियोडिक। क्लियर हो बच्चों? इसको दिमाग में बिठाओ, ये बहुत कंफ्यूज करता है लास्ट तक, ठीक है ना? वीडियो पॉज करो, दो एक बार सुनो इसको, ठीक है ना? दिमाग में बिठाओ, उसके बाद ही आगे बढ़ो, ठीक है ना? चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर। जैसे पहले मैं इसके लास्ट पॉइंट के ऊपर थोड़ा स्ट्रेस देता हूँ, क्योंकि जनरली बच्चे लोग यही गलती करते हैं, बहुत गलती होती है इसमें। मैं इसको रब कर रहा हूँ, तुम लोग कॉपी करो। देखो क्या है कि जैसे मैंने लिखा साइन ऑफ, अभी तक हमने ऐसे लिखा साइन ऑफ 2x+3, तो इसका पीरियड लिखा 2π/2। तो ये तो क्या हो गया, जो एफ पीरियोडिक है जी एक्स लीनियर है, तो टी अपॉन मॉड है वाला केस हो गया। अब मैं लिख रहा हूं साइन ऑफ लेट से एक्स स्क्वायर, जस्ट थिंक इट क्या होगा, एफ पीरियोडिक है तो हम सेकेंड वाले पार्ट पे आए, उसमें तीन पॉइंट थे, ये किसमें लाई कर रहा है, क्या एफ एक्स लीनियर है, नहीं ये क्वाड्रेटिक है, क्या एफ एक्स पीरियोडिक है, एक्स स्क्वायर पीरियोडिक होता है, नहीं है, तो कहां लाई करेगा इस पॉइंट में, सो दिस इज नॉट पीरियोडिक। समझ में आया? जैसे मैंने लिखा साइन ऑफ रूट एक्स, अगेन नॉट पीरियोडिक, क्योंकि रूट एक्स जी एक्स क्या है मेरा, नॉट लीनियर भी नहीं है और पीरियोडिक भी नहीं है। क्लियर हुआ बच्चों? अच्छा मैंने लिखा एल एन ऑफ कॉस एक्स, आप सोचो एफ ऑफ जी एक्स, एफ तो है नहीं, अच्छा ये तो जी एक्स का हो गया, मैं ऐसा लिख लेता हूं cos of ln x, just think f periodic है, क्या जी एक्स लीनियर है, नहीं है, क्या जी एक्स पीरियोडिक है, नहीं है, तो ये भी हमारा क्या होगा, नॉन पीरियोडिक। अब समझ में आ गया होगा, क्लियर है बच्चों? चलो अब वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब मैं ना कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, थोड़े कंफ्यूजिंग है, मतलब उसमें क्या करोगे, अगर तुम प्रोसीजर से करोगे वॉट एवर प्रोसीजर आई टोल्ड यू तो गलत आंसर आएगा। आई मीन उसका भी एक प्रोसीजर है, थोड़ा सा हमें एक स्टेप और ऐड करना पड़ेगा। तो पहले मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, तुम लोग उसके आंसर्स लिखो, ठीक है, खुद से, और फिर मैं डिस्कस करता हूँ उसको। तो पहले मुझसे पहले इसको रब कर देता हूँ, तुम इसको कॉपी कर लो। देखो एग्जाम्पल लिख लेता हूँ मैं, कॉस ऑफ साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स कॉस ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ कॉस एक्स, ठीक है? जस्ट एक बार खुद सोचो इनका पीरियड क्या है और फिर मैं भी डिस्कस करता हूँ। तो वीडियो पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट दिस फाइव क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड द पीरियड ऑफ दिस फंक्शंस। तो हम स्टार्ट करते हैं, तो पहले हम रूल से बताते हैं और फिर मैं बताऊंगा कि हमें आखिरी में एक स्टेप और ऐड क्या करना पड़ेगा। तो व्हेन यू स्टार्ट विद द रूल फॉर दिस फंक्शन, तो एफ भी पीरियडिक है, जी भी पीरियडिक है, और पीरियड क्या होगा, जो अंदर जी का जो पीरियड होता है, तो जी क्या है साइन एक्स, इसका पीरियड क्या है 2π, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा 2π। बट एक्चुअली दिस इज रॉन्ग, मतलब 2π पीरियड तो होगा बट दिस विल नॉट बी द फंडामेंटल पीरियड, क्योंकि हम जो निकालते थे वो फंडामेंटल पीरियड निकालते थे, जो भी अभी हमने रूल्स देखे जैसे टी अपॉन ए लिखा या टी लिखा, वो सब फंडामेंटल पीरियड थे। बट इधर मैं क्या बोलूंगा, 2π इज पीरियड बट इट इज नॉट द फंडामेंटल पीरियड। तो क्या करें हम, अब जब पहली बात की ऐसा क्यों आ रहा है, तो देखो एक मिनट के लिए इसको अगर मैंने एफ एक्स बोला तो मेरा एफ ऑफ एक्स क्या है, कॉस ऑफ साइन एक्स, ठीक है? तो मैंने बोला एक मिनट के लिए, अब ऑफ कोर्स एफ ऑफ एक्स प्लस 2π यही होगा क्योंकि 2π तो पीरियड है ही। मैंने बोला कि जो भी तुम्हारा एक्चुअल मेथड से आंसर आया उसका हाफ रख के वेरीफाई कर लिया। तो मैंने क्या किया, इसका हाफ मतलब पाई, तो एक्स प्लस पाई रख के देखा क्या आता है, देखते हैं एक बार। तो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई रखोगे तो इधर तो कॉस लिखा है, तो ये कॉस लिखा है, और इधर क्या लिखा है, साइन ऑफ एक्स प्लस पाई। तो साइन ऑफ एक्स प्लस पाई क्या होगा, माइनस साइन एक्स, तो कॉस ऑफ माइनस साइन एक्स,
अब मुझे पता है कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये कितना आया मेरा कॉस ऑफ साइन एक्स, तो इन दोनों बराबर आ गए, तो इससे क्या प्रूफ हो गया, एफ ऑफ एक्स प्लस पाई के बराबर है, पाई इज द पीरियड। अभी भी एक्चुअली आई शुड नॉट से पाई इज द फंडामेंटल पीरियड, अगेन क्या करूं मैं इसको रिड्यूस करूं आधा और रिड्यूस करके चेक करता हूं, जो भी तुम्हारा आंसर आया ना उसको रिड्यूस करते गए हाफ टाइम्स, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री वगैरह जो होंगी ना इनमें तुम्हारा एक्चुअल मेथड से थोड़ा गलत आ सकता है आंसर, गलत मतलब फंडामेंटल पीरियड गलत आ सकता है, पीरियड तो करेक्ट होगा 100% पीरियड सही होगा, मतलब 2π पीरियड बोलना इस फंक्शन का इज नॉट अ रॉन्ग स्टेटमेंट है, 100% करेक्ट स्टेटमेंट है। हाँ पाई बोलना, पाई इज द फंडामेंटल पीरियड। अब तुम सोचो कि चलो हम और वेरीफाई करें, पाई बाई टू रख के देखेंगे तो दिख रहा है क्लियरली, मतलब डायरेक्टली दिख रहा है, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, साइन में अगर एक्स प्लस पाई बाई टू ये कॉस हो जाएगा तो फंक्शन चेंज हो जाएगा ना, क्लियर है, तो क्या बोलूंगा दिस इज इसका आंसर, हमारा एक्चुअल आंसर क्या होगा पाई, 2π इज नॉट द आंसर, ठीक है। इसी तरीके से साइन स्क्वायर एक्स, अब देखो जैसे मैंने साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखूंगा मैं, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। अब जो मैंने रूल नंबर 2 लिखवाया था, रूल्स फॉर फाइंडिंग की एफ एक्स इंटू जी एक्स का पीरियड क्या होगा, इसका पीरियड और इसके पीरियड जो आएंगे उनका एलसीएम, तो इसका पीरियड 2π है, इसका पीरियड 2π है, तो एलसीएम क्या आया 2π, बट 2π इज नॉट द फंडामेंटल पीरियड, ठीक है। अब दिख भी रहा है, ये तो क्लियरली दिख रहा है कि अगर मैंने इसको एफ एक्स बोला, इसको अगर एफ एक्स बोला तो एफ ऑफ पाई प्लस एक्स क्या होगा, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस पाई, ये क्या होगा माइनस साइन एक्स का स्क्वायर विच इज नथिंग बट साइन स्क्वायर एक्स ओनली, यू कैन सी बोथ आर इक्वल, तो इसके हिसाब से पीरियड क्या हो गया पाई। अब अगर फर्दर इसको रिड्यूस करोगे पाई बाय टू करोगे तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो हम वो पाई बाय टू तो नहीं होगा, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, आंसर इज पाई। क्लियर हो बच्चों, हम रूल से निकाल रहे हैं तो हमारा ज्यादा आ रहा है, वो एक्चुअली पीरियड आ रहा है, फिर हम थोड़ा सा और कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारा फंडामेंटल पीरियड आ रहा है, क्लियर है। अच्छा अब सिमिलरली इसको साइन ऑफ साइन इंटू कॉस, तो अगेन इसमें क्या बोलूंगा, इसका पीरियड 2π, इसका पीरियड 2π, दोनों का एलसीएम क्या आएगा 2π, बट आंसर इज नॉट 2π। इसको तो हम और भी तरीके से समझ सकते हैं, देखो क्या किया, इसको मैंने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ये आएगा साइन 2x बाय 2। अब सोचो डिवाइड करने से तो फंक्शन में कोई चेंज होता नहीं, ये तो y एक्सिस में स्केल होता है, तो इसका तो कोई यूज नहीं है। अब साइन 2x का पीरियड तो पता है मुझे कैसे मेथड से, साइन ऑफ ax प्लस बी का क्या होता है 2π अपॉन x का कोफिशिएंट विच इज 2, तो पाई, तो आंसर शुड बी पाई। तो इधर कौन सा मेथड मैं बोल रहा हूँ एक्चुअली फेल होने को, जो भी बता रहा हूँ जैसे कौन सा मेथड फेल हो रहा है, जो हमने लिखवाया था ना एलसीएम ऑफ t1 एंड t2, वो बेसिकली फेल हो रहा है, फेल हो रहा है, मेरा मतलब है उस वो मेथड से हमारा पीरियड तो आ रहा है बट फंडामेंटल पीरियड नहीं आ रहा है, क्लियर है बच्चों। चलो अब आते हैं थोड़ा सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके ऊपर मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में एग्जांपल भी दिया था, ठीक है ना, रेंज निकालते वक्त मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर था उधर बस, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं स्पेस क्रिएट करता हूँ, बाकी सब रब कर देता हूँ एक्सेप्ट फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन, तो जस्ट कॉपी अदर पार्ट्स, मैं रब करने जा रहा हूँ। मैंने क्या बोला कि जो फोर्थ क्वेश्चन है स्पेशली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका पीरियड हम याद भी रखेंगे आगे, अभी चल अभी मतलब इसके बेसिस पे क्वेश्चन भी लेने वाले हैं हम आगे चल के, तो अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि इसका पीरियड हम याद रखेंगे क्या आने वाला है, तो सुनना। उससे पहले मैंने एक चीज और बताया तुम्हें, इससे पहले एक काम करो, एक और एग्जांपल ऐड कर लो, y इज इक्वल टू साइन एक्स, मॉड ऑफ साइन एक्स, ठीक है। अच्छा अब मॉड ऑफ साइन एक्स का पीरियड क्या होगा पहले, उसका बाद हम स्पेस स्टेप पे आते हैं। मॉड ऑफ साइन एक्स का तुम्हें याद है ग्राफ, मॉड ऑफ साइन एक्स का हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में बताया था कि मेरा ये साइन एक्स होता है, मॉड ऑफ साइन एक्स क्या होता है, नीचे वाले को ऊपर कर देता है बस, दिस इज व्हाट y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स, नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाता है, तो दिख रहा है क्लियरली द पीरियड इज पाई, पीरियड इज पाई, नहीं तो तुम ऐसे भी रख सकते हो बेसिक मैथमेटिक्स डेफिनेशन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी, क्योंकि एक्स की एक्स प्लस पाई रखोगे तो माइनस साइन एक्स आएगा, बट मॉड ऑफ माइनस साइन एक्स क्या होगा, मॉड साइन एक्स के बराबर ही, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस पाई, हेंस द पीरियड इज पाई, तो इसका आंसर लिख लो पहले, पीरियड पाई होगा, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है बच्चों। अब सिमिलरली इसका पीरियड पाई है, इसका भी पीरियड पाई होगा, दैट यू कैन वेरीफाई, कॉस ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स का पीरियड क्या होगा, पाई होगा। अब हम अगर उस रूल से देखें एलसीएम वाले रूल से, एफ एक्स प्लस जी एक्स का इन दोनों का एलसीएम विल बी द पीरियड ऑफ ओवरऑल फंक्शन, तो पाई और पाई का पीरियड क्या होगा, पाई, बट एक्चुअली आंसर इज नॉट पाई, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, क्या करें हम, मैंने बोला पाई पीरियड है क्या, पाई पीरियड है, करेक्ट स्टेटमेंट है, बट पाई इज नॉट द फंडामेंटल पीरियड,
तो क्या करें, हम आधा रख के देख लेते हैं एक बार. When you will put half of this, that is pi by 2, तो एक मिनट के लिए अगर मैंने इसको fx बोला, तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ f of x plus pi by 2. तो क्या आएगा देखना, डायरेक्टली देख रहा हूँ, sin of x plus pi by 2 will be cos x और उसका mod, तो mod of cos x plus cos of x plus pi by 2 will be minus sin x और उसका mod will be mod of sin x only, mod of sin x. तो देखो किस्मत से क्या हुआ, सेम फंक्शन आ गया, क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया ब्रैकेट्स, इधर वाला पार्ट उधर आ गया, उधर वाला इधर आ गया, बट ओवरऑल फंक्शन तो सेम आया ना. तो इसकी ये एफ एक्स है और ये एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई टू है, तो इन दोनों अगर ये दोनों बराबर है तो मैं क्या बोलूंगा, पाई बाई टू इज व्हाट माय पीरियड. अब तुम इसको फर्दर रिड्यूस करके देख लो, बराबर नहीं आएंगे, दैट यू कैन वेरीफाई. पाई बाई फोर करोगे तो ऑफकोर्स ये बहुत वियर्ड सा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना, ये इसके बराबर नहीं आएगा. तो यहीं रुक गए हम, फिर क्या बोला हमने, पाई बाई टू इज फंडामेंटल पीरियड. क्लियर है बच्चों, इंटरेस्टिंग था बहुत, इसलिए मैंने बोला. तो अब से हम याद रखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स का पीरियड हमारा क्या होता है, पाई बाय टू होता है. क्लियर है. अच्छा, जो भी मैंने अभी एग्जांपल लिखवाया है उसके आधार पे मैं एक नोट करके लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ, ठीक है. देखना मैंने क्या लिखवाया, ट्रिग्नोमेट्री में ये जो एक्सेप्शन आ रहा है वो उसके ऊपर एक नोट है छोटा सा. तो क्या लिखोगे देखना, मैंने बोला टी की पावर 2m even power या फिर mod of t, where my t is equal to sin x हो चाहे cos x हो चाहे cosec x हो चाहे cosec x हो, इन सभी में this is my fx, इन सभी में fx का पीरियड क्या होगा, pi होगा, क्योंकि इन सभी का पीरियड क्या है, 2 pi. जैसे अब साइन स्क्वायर एक्स लिख लो, साइन की पावर 4, जैसे इसके आधार पे मैं एग्जांपल कैसे लिखूं उसको मैं मिटा दे रहा हूं अभी के लिए. मैंने लिखा साइन स्क्वायर एक्स, तो अब इस नोट के हिसाब से मैं डायरेक्टली लिखूंगा पीरियड इज टी की पावर 2m ना, टी मतलब साइन, साइन की पावर 2m मतलब इवन पावर, तो दिस पीरियड विल बी 2 पाई. सिमिलरली साइन की पावर 66x, सॉरी साइन की पावर 66x कितना होगा पीरियड, 2 पाई, इवन पावर है ना. इसके हिसाब से मॉड ऑफ साइन एक्स पीरियड विल बी, सॉरी ये 2 पाई गलत लिखा है, दिस इज पाई, दिस विल बी पाई. समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, ठीक है ना. अच्छा, सेकेंड नोट, टी की पावर 2m कॉमा मॉड टी का पीरियड पाई होगा फॉर टी इक्वल्स टू टेन एक्स कॉमा कॉट एक्स, मतलब टेन एक्स और कॉट एक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, मॉड लगाने पे स्क्वायर करने पे उसका पीरियड पाई रहेगा. फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे मैंने लिखा टेन स्क्वायर एक्स या फिर कॉट स्क्वायर एक्स या फिर मॉड ऑफ टेन एक्स, ऑल दीज विल बी have period pi only, this will have period pi only. आई माया, हाँ अगर sin cos cos x sec में है तो जरूर 2 pi का आधा हो गया इन सब का, that is pi. क्लियर है बच्चों. अच्छा, इसी में तुम एक काम करो, जब हमने दो लिख लिए तो वो अलग से इसी के अंदर नोट करके लिख लो, mod of sin x plus mod of cos x is equal to इसका जो पीरियड है that is pi by 2. एक्सेप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको अलग से मेंशन कर लो. हाँ, मैं क्या हुआ, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ ना, कि जब भी मेरा टी की जगह मैंने लिया साइन कॉस कॉसेक सेक, मॉड लगाने पे या इवन पावर लेने पे पीरियड पाई हो जाएगा. अच्छा, इसको एक काम करो, इधर एक और चीज लिख लो, अगर ऑड पावर लिखा तो क्या होगा, अगर ऑड पावर लिखा तो पीरियड 2 पाई ही रहेगा. फॉर एग्जाम्पल साइन क्यूब एक्स या फिर साइन की पावर 5x एंड सो ऑन, इन सभी का पीरियड 2 पाई रहेगा. तो समझ रहे हो क्या होगा कंक्लूजन, इवन पावर लेंगे अगर हम साइन कॉस कोसेक सेक का या फिर मॉड लगाएंगे तब पीरियड हमारा आधा हो जाएगा, विच इज पाई, ये दिख रहा है इन केसेस में. अगर पावर ऑड है और साइन कॉस सेक कोसेक है तब हमारा पीरियड 2 पाई ही रहेगा, और इधर हमारा क्या होगा 10 वाले में, इधर 2m प्लस 1, इधर तो कुछ भी पावर लो, इधर कोई फर्क नहीं पड़ता. 10 कॉट में तो जो पीरियड 10 कॉट का है उसमें चाहे मॉड लगाओ चाहे इवन पावर लो चाहे ऑड पावर लो, पीरियड पाई ही रहेगा. समझ में आया, ठीक है. चलो अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, तो वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना. अच्छा, अभी जो मैंने एग्जांपल लिखा था उस पे आते हैं, तो उससे पहले मैं एक दो एग्जांपल और करा देता हूँ, फिर हम उस क्वेश्चन पे आएंगे. तो मैंने कहा पहले थोड़ा छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं, तुम लोग इसको अटेम्प्ट करो, ठीक है ना, बहुत ही छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं, थोड़ा फास्ट कैलकुलेट करना. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ई की पावर एक्स, ई की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स,
अंडर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ रूट एक्स, साइन ऑफ एक्स क्यूब, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 1/3। पहले इतना देखते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। सुनना, तो अगेन पॉज द वीडियो, अटेम्प्ट करो, मैं इसको लिख रहा हूँ। तो बहुत छोटे छोटे हैं, इसलिए ज्यादा हमें कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड कितना होता है, 1 होता है। तो 3 से स्केल किया, x को 3x से रिप्लेस किया, तो पीरियड क्या होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो पीरियड क्या होगा, 1/3। इस पे आते हैं, f ऑफ g x कंपोजिट फंक्शन, f पीरियोडिक है, ठीक है, बट g क्या लीनियर है, नहीं है, क्या g पीरियोडिक है, नहीं है, हेंस दिस इज नॉट पीरियोडिक। e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, f ऑफ gx, इधर gx पीरियोडिक है, देयरफॉर f ऑफ gx विल बी पीरियोडिक विद पीरियड 1। f ऑफ gx, fx क्या है मेरा रूट x, gx क्या है मेरा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, सो दिस विल बी पीरियोडिक विद पीरियड सेम एज दैट ऑफ g, हेंस द पीरियड इज 1। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ रूट x, हाँ ये इंटरेस्टिंग है, ये इस कैटेगरी का है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ e की पावर x। तो एक मिनट, ठीक है, तो f ऑफ g x, वेयर f इज पीरियोडिक, g इज नॉन पीरियोडिक। तो फिर हम क्या करते हैं, g का देखते हैं, क्या g लीनियर है, नहीं है, क्या g पीरियोडिक है, नहीं है, तो ओवरऑल फंक्शन नॉट पीरियोडिक। साइन ऑफ x क्यूब सिमिलरली इट इज नॉट पीरियोडिक, क्यों, क्योंकि f ऑफ g x में g x मेरा लीनियर भी नहीं है प्लस पीरियोडिक भी नहीं है। हाँ ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसको स्टार्ट कर लेना, ठीक है। अब सुनना, ये तो मेरा नॉन पीरियोडिक होता है, ये भी नॉन पीरियोडिक होता है, तो अभी तो मैं कुछ कमेंट नहीं कर पा रहा, बट क्या करूंगा, मैं इस क्वेश्चन को पहले कन्वर्ट करूंगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में, देन आई विल कमेंट ऑन पीरियोडिसिटी। तो उसके लिए क्या किया मैंने, 1/3 ऐड किया, 1/3 ऐड किया, तो मेरा ऐसा आया, दिस माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 1/3, और ऐड किया ये 1/3, तो माइनस 1/3 कर दिया, तो जो अभी लिखा है वही ये नीचे एक्सप्रेशन लिखा है, क्लियर है। अच्छा अब मुझे पता है एक फॉर्मूला कि वाई माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वाई क्या होता है, इट्स नथिंग बट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y। तो x प्लस 1/3 एक नंबर है, वो नंबर माइनस उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1/3, और ये मेरा माइनस 1/3 लिखा ही हुआ है। अब हो गया, चिटकियों का हो गया, अब क्या है, ये माइनस 1/3 से पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो y एक्सिस में शिफ्ट करता है ग्राफ, 1/3 वो आगे पीछे करता है, ये वाला 1/3, तो क्या बचा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो पीरियड होगा वो क्या है मेरा 1, तो इसका पीरियड क्या होगा 1। क्लियर है बच्चों, तो वीडियो को पॉज करो, मैं इसको रब कर देता हूं और फिर कुछ और एग्जांपल्स लिखता हूं इसी टाइप के, तो अब मैं फास्ट जा रहा हूं बिकॉज बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब सुनना, नेक्स्ट मैंने लिखा, जो भी नंबरिंग था मैं नंबरिंग 1 डाल रहा हूं, साइन पाई एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बाय 5, और चलो एक और ले लेता हूं मैं, सेकंड साइन एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, अरे ये तो हमारा उधर कवर हो चुका था, इसको छोड़ देते हैं, ये हो गया साइन ऑफ कॉस एक्स, फिर हो गया कॉस ऑफ कॉस एक्स, कलर ठीक है, चलो कॉस ऑफ कॉस एक्स, फिर फोर्थ वन साइन ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, और फिफ्थ वन कॉस ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ कॉस एक्स, देन काउंट सिक्स्थ वन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, देन सेवेंथ वन अंडर रूट ऑफ वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, देन एट्थ वन sec square x minus tan square x, then ninth one mod of sin x minus mod of cos x, and चलो इतना काफी, चलो अब वीडियो पॉज करो और खुद से करो ट्राई, ज्यादा सीखने मिलेगा, ठीक है। चलो मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ, तो पहला वाला, तो f ऑफ g का एडिशन है, तो LCM क्या होगा, सॉरी पीरियड क्या होगा, इन दोनों के पीरियड का LCM, इसका पीरियड कितना है, इधर ही लिख रहा हूं मैं, 2 पाई अपॉन पाई 2, इसका पीरियड कितना है, 1 अपॉन 1 बाय 5 व्हिच इज 5, और 2 और 5 का एलसीएम क्या होगा 10, तो पीरियड इज 10। कॉस ऑफ साइन एक्स, तो एफ ऑफ जी एक्स में जो पीरियड जी एक्स का होता है वही इसका पीरियड होता है, तो जी एक्स क्या कॉस एक्स
उसका पीरियड क्या है 2 पाई, तो इसका पीरियड कितना हुआ 2 पाई। बट मैंने बोला जब भी ट्रिग्नोमेट्री हो तो हम एक बार उसका हाफ करके देख लिया, हाफ चेक करके देख लिया। आई कैन नॉट कमेंट, देखो इधर तो 10 जो है फंडामेंटल पीरियड है, बट इधर 2 पाई जरूरी नहीं फंडामेंटल पीरियड हो, पीरियड तो होगा। तो एक काम किया, एक बार पाई रख के देख लिया। पाई रख के देखने से मेरा मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस पाई निकाला, तो मैंने विल पुट कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई, वो माइनस कॉस एक्स होगा और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, तो चेंज हो रहा है फंक्शन, तो हमारा पीरियड क्या होगा 2 पाई। अब आते कॉस ऑफ कॉस एक्स पे, इसका रूल के हिसाब से क्या आएगा 2 पाई, जी एक्स पीरियोडिक विद पीरियड 2 पाई। अब मैं एक्स प्लस एक्स पाई डालता हूं, तो एनिल पुट एक्स प्लस पाई, तो कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई कितना होगा कॉस एक्स ओनली, तो क्या आ जाएगा कॉस ऑफ कॉस एक्स ही आ गया, तो इसका मतलब पीरियड पाई हो गया। बट अगेन पाई नहीं बोलूंगा मैं फंडामेंटल पीरियड, फिर उसका हाफ रिड्यूस करूंगा। बट यू कैन सी जब पाई को आधा रिड्यूस करोगे दैट इज पाई बाई टू, तो कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाई टू साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फंक्शन चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब पाई इज द पीरियड। ठीक है ना, मैं एक्सेप्शन पर टिक कर देता हूं। अब आते हैं इस पे, तो साइन ऑफ कॉस एक्स, साइन ऑफ कॉस एक्स ऊपर ही लिखा है इसका पीरियड 2 पाई, कॉस ऑफ कॉस एक्स नीचे लिखा है इसका पीरियड पाई है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 2 पाई। अब आते हैं इस पे, अब देखना ये अगेन इंटरेस्टिंग, ये थोड़ा ज्यादा, ये मैंने उधर रब किया था उस टाइम कराया नहीं था, अब देखो इसको कॉस ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ कॉस एक्स, तो कॉस ऑफ कॉस एक्स का पीरियड देखा पाई है। अच्छा कॉस ऑफ साइन एक्स का पीरियड और देख लेते हैं पहले, तो कॉस ऑफ साइन एक्स में अगर मैंने पहले तो 2 पाई तो आ रहा है इसके प्रोसीजर से, इसका अगर प्रोसीजर से निकाला तो 2 पाई आ रहा है पहले, फिर मैंने हाफ रख के हाफ किया, तो मैंने पुट एक्स ये एक्स प्लस पाई टू एक्स प्लस पाई, तो साइन ऑफ एक्स प्लस पाई क्या होगा माइनस साइन एक्स, और कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होगा कॉस थीटा, तो कॉस ऑफ साइन एक्स ही आ गया, इसका मतलब पाई है, बिल्कुल है, तो इसका पीरियड पाई है। अब एक बार हाफ रख इसका आधा करोगे पाई बाय टू करोगे, तो ये साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फंक्शन चेंज हो रहा है, तो मतलब कॉस ऑफ साइन एक्स का पीरियड इज पाई। तो अब सुनना, मैं इधर मिटा रहा हूं इसको, अब मैंने लिखा इसका पीरियड पाई है और इसका भी पीरियड पाई है, तो एलसीएम लेने पे क्या आएगा पाई आएगा। बट अब देखना इंटरेस्टिंग बात, पाई इज नॉट द फंडामेंटल पीरियड, क्या हो रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री में क्या है ना थोड़ा सा हमें कॉन्शियस रहना पड़ेगा। क्या होगा कि ट्रिग्नोमेट्री में आप अपने आप के खुद के रूल्स है ना, जैसे साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा कॉस हो जाता है। अब क्या हो रहा है बेसिकली, ये अपने आप में तो पीरियड पाई है, बट जब हम एक्स प्लस पाई बाई टू रखेंगे ना, तो ये वाली टर्म ये बन जाएगी और ये वाली टर्म ये बन जाएगी, दैट यू कैन वेरीफाई। जैसे मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई टू निकाला, तो क्या आएगा मेरा साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई टू क्या होगा अपना कॉस एक्स, तो इधर क्या आ जाएगा कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस, इधर कॉस एक्स क्या हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाई टू क्या होगा माइनस साइन एक्स, और कॉस ऑफ माइनस साइन एक्स क्या होगा कॉस ऑफ साइन एक्स, तो कॉस ऑफ साइन एक्स, तो किस्मत से क्या हो गया ये दोनों टर्म इंटरचेंज होगा एक्स प्लस पाई बाई टू रखने पे, हैज द पीरियड इज पाई बाई टू। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट बोला मैंने, मतलब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो मोस्ट ऑफ द बच्चे 99% बच्चे पाई लगा के आएंगे, बहुत से तो 2 पाई लगाएंगे, और उनको और जिनको थोड़ा बहुत आता होगा वो पाई लगाएंगे, और जिनको परफेक्टली आता होगा वो पाई बाई टू लगाएंगे। ठीक है चलो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल क्वेश्चन है ये, नहीं इससे इंपॉर्टेंट ज्यादा ये है, वन ये तो नॉर्मल है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1, 1 माइनस 1 क्या है 0, तो ये तो वाई इज इक्वल टू 0 लिखा है विच इज अ कॉन्स्टेंट फंक्शन, तो पीरियोडिक तो है, पीरियोडिक तो है, बट फंडामेंटल पीरियड इज नॉट डिफाइंड, लिख लो तुम फंडामेंटल पीरियड इज नॉट डिफाइंड, दिस इज अ पीरियोडिक बट फंडामेंटल पीरियड इज नॉट डिफाइंड। ठीक है चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी क्या होता है बच्चे लोग थोड़ा गड़बड़ करते हैं, इसलिए मैं इसको भी स्टार मार्क कर रहा हूं। क्या होता है जनरली आदत नहीं होता तो वो इसको डायरेक्टली लिखते हैं साइन एक्स विच इज रॉन्ग, और ये साइन एक्स लिखेंगे तो पीरियड क्या लिखेंगे 2 पाई ऑफ कोर्स विच इज रॉन्ग। एक्चुअली मैंने बताया था रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है मॉड एक्स, तो ये क्या लिखा है बेसिकली अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स विच इज मॉड ऑफ साइन एक्स नॉट साइन एक्स, अब सही बताएगा कोई भी, तो मॉड ऑफ साइन एक्स का पीरियड क्या होता है पाई विच इज करेक्ट, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे कभी भी जल्दी जल्दी में हमने रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स ही लिखना है, एक्स नहीं लिखना है। ठीक है ना, तो ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, इवन नॉट राइट साइन एक्स, साइन एक्स तो नेगेटिव भी हो सकता है बट रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स तो पॉजिटिव ही होगा। अब जैसे कि मैंने बोला इसको, इसमें क्या बोलते हैं बच्चे पीरियोडिक तो है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स आइडेंटिटी लगा देते हैं और बोलते हैं दिस इज 1 एंड दिस इज अ कॉन्स्टेंट फंक्शन, दिस इज पीरियोडिक बट फंडामेंटल पीरियड इज नॉट डिफाइंड, बट एक्चुअली पीरियड है इसका, पीरियड डिफाइन है। क्या करते हैं इसको हम ग्राफिकली समझते हैं कैसे, अगर मैंने बोला तुम इसका ग्राफ बनाओ तो क्या होगा इसका ग्राफ, sec square x minus tan square x 1 होता है, ठीक है चलो ये 1 होता है वो करेक्ट है, बट क्या ये हमेशा 1 होता है, नहीं
तुम पाई बाई टू डाल सकते हो क्या इसमें? थ्री पाई बाई टू डाल सकते हो क्या? नहीं, तो पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल नहीं डाल सकते। इसका मतलब पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल पे क्या आएगा? हॉलो सर्कल आएगा। तो मेरा इधर पाई बाई टू है लेट्स से, तो इधर मेरा क्या आएगा? हॉलो सर्कल। फिर मेरा इधर आएगा हॉलो सर्कल थ्री पाई बाई टू पे। फिर मेरा इधर आएगा माइनस पाई बाई टू पे। नाउ कैन यू सी? अब पीरियड दिख रहा है तुम्हें? हाँ, पीरियड कितना है? यू कैन सी ये वाली जो साइकिल है रिपीट हो रही है, इसी को मैं इधर शिफ्ट कर दूं, पीरियड क्या है इसका? पाई। समझ में आया? इसका पीरियड इज पाई। क्लियर है बच्चों? इसलिए इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द बच्चे अगेन इसमें क्या लिखेंगे? फंडामेंटल पीरियड इज नॉट डिफाइंड बट द आंसर इज पाई। दैट यू कैन सी ना, वो इस कारण से हो रहा है, ये कांस्टेंट होने। देखो सेकंड इस वाले में दिक्कत नहीं हुई थी बिकॉज साइन और कॉस तो हमेशा डिफाइंड होते हैं ना। तो दिस इज अ दिस फंक्शन इज इक्विवेलेंट टू x इज इक्वल टू दिस फंक्शन इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू y इज इक्वल टू 0। बट ये जो फंक्शन है दिस इज नॉट y इज इक्वल टू 1। देख रहे हो ना, y इज इक्वल टू 1 नहीं, होलो सर्कल भी आ रहा है कहीं कहीं। ठीक है, बहुत एम्फसाइज कर दिया। अब ये वाला लास्टली ये देख लो, मॉड ऑफ साइन x माइनस मॉड ऑफ कॉस x। तो अगर रूल से चलो ट्राई करते पहले, तो रूल से इसका पीरियड पाई, इसका पीरियड भी पाई, तो एलसीएम इज पाई। अब तुम एक बार पाई बाई टू रख के देख लो, बट आएगा नहीं बराबर, क्योंकि इधर कॉस एक्स हो जाएगा, इधर साइन एक्स हो जाएगा, लेकिन बीच में माइनस है ना, तो फंक्शन तो बराबर नहीं हुए। हैंस द पीरियड इज पाई ओनली। तो मॉड साइन एक्स माइनस मॉड कॉस एक्स का पीरियड पाई होगा। हाँ, बीच में प्लस होता तब क्या होता, ये दोनों इंटरचेंज हो जाते, तब मेरा पीरियड क्या होता, हम इसका आधा रख के देख, सॉरी पीरियड पाई बाई टू हो जाता। क्लियर है? चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब लास्ट एक दो इलस्ट्रेशन और देख लेते हैं रिलेटेड टू रेंज, ठीक है? उसके बाद फिर हम एंड अप करेंगे आज का लेक्चर। देखना, तो मैं लिख रहा हूं, चलो वही जो वही वाला एग्जांपल, कौन सा जो मैंने तुम्हें ऑलरेडी रेंज की उसमें दिया था, रेंज निकालने के लिए बस उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स्ट्रा पार्ट था। अभी मैं इसको लिख रहा हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स। यू हैव टू फाइंड रेंज ऑफ दिस, फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स। तो वीडियो को पॉज करो और तुम लोग ट्राई करो, मैं बता रहा हूं, ठीक है? तो सबसे पहली बात, हम क्या यूज करेंगे फैक्ट कि इसका पीरियड इज पाई बाई टू, ठीक है? अच्छा, एक चीज और, जैसे अगर मान लो कोई फंक्शन है जिसका पीरियड पाई बाई टू है और मुझे उसकी रेंज निकालनी है, तो मैं क्या करूं, केवल एक पीरियड के लिए उसकी रेंज निकाल लेता हूं, उसके बाद तो रिपीट कर रहा है, तो मतलब जितनी उसकी रेंज होगी एक पीरियड के लिए वही उसकी ओवरऑल रेंज हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, इसका सिंस वी नो इसका पीरियड पाई बाई टू है, थोड़ा फास्ट कर रहा हूं, पाई बाई टू है, तो क्या किया, इसकी रेंज निकाल रहे हैं हम जीरो टू पाई बाई टू के लिए। जो इसकी रेंज आएगी जीरो टू पाई बाई टू में वही इसकी ओवरऑल रेंज हो जाएगी। तो मैंने निकाली जीरो टू पाई बाई टू में इसकी रेंज। अब मैं बोल रहा हूं फॉर एक्स लेस देन इक्वल्स टू पाई बाई टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, जीरो से पाई बाई टू के लिए मॉड साइन एक्स किसके बराबर होगा? मॉड साइन एक्स क्या हो जाएगा? साइन एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट है, कॉस एक्स भी क्या होगा? मॉड कॉस एक्स भी क्या होगा? कॉस एक्स। तो दिस विल बी माय एफ एक्स। ये इंपॉर्टेंट, ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का रेंज निकालना तो बहुत आसान है फॉर जीरो टू पाई बाई टू। तो हमने क्या इफेक्ट यूज किया? पीरियोडिसिटी पार्ट यूज किया टू फाइंड रेंज। तो सोचो पीरियोडिसिटी का भी एप्लीकेशन है टू फाइंड द रेंज। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल टू फॉर इट, हाउ टू यूज पीरियोडिसिटी फॉर फाइंडिंग रेंज। ठीक है, एक और तरीका है, मैंने उसमें भेजा था ग्रुप में भी, स्क्वायर करके, ठीक है ना? एक और तरीका है स्क्वायर करके, वो भी चलो भी मैं बता दूंगा, ठीक है ना? जिसने अगर मान लो वो नहीं देखा होगा, तो एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आया। अब मैं इसकी रेंज निकाल लेता हूं, तो इसको तो क्या रूट टू से मल्टीप्लाई किया और इधर आ गया वन बाय रूट टू साइन एक्स प्लस वन बाय रूट टू कॉस एक्स। फिर ये लिखा रूट टू साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय फोर, ये मेरा हो गया एफ एक्स। अब मुझे इस एफ एक्स का रेंज निकालना है केवल जीरो टू पाई बाय फोर, सॉरी जीरो टू पाई बाई टू, वही मेरी ओवरऑल रेंज हो जाएगी। बिकॉज किसी भी फंक्शन का जो पीरियोडिक है उसका रेंज निकाल ली हमने उसके एक पीरियड के लिए, कोई भी एक पीरियड के लिए, वही इसका एंटायर रेंज हो जाएगा। अब मैंने देखना क्या करना है, अब मैं साइन ऑफ एक्स का ग्राफ को पाई बाय फोर पीछे खिसका लेता हूं, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है? दिस विल बी माई माइनस पाई बाय फोर, दैट यू कैन पुट वेरीफाई ऑल्सो। माइनस पाई बाय फोर ओके, तो जीरो आ रहा है, तो दिस इज जीरो, दिस इज माई जीरो। एक्स इज इक्वल टू जीरो पे वैल्यू कितनी आ रही है? साइन पाई बाई फोर इज वन बाई रूट टू इंटू रूट टू, तो वन। अच्छा, वेन यू विल पुट दिस वैल्यू क्या होगा हमारा, ये पाई बाई फोर इधर किसका है? दिस इज पाई बाई फोर, तो यहां से यहां तक पाई बाई टू है, वन फोर साइकिल, तो ये पाई बाई फोर हुआ, तो पाई बाई फोर पे क्या होगा? साइन ऑफ पाई बाई टू इज वन, तो ये हमारा रूट टू आ जाएगा।
अच्छा अब अगर मैंने इसमें पाई बाई टू डाला, बिकॉज मुझे जीरो से पाई बाई टू देखना है, तो पाई बाई टू डाला तो पाई बाई टू प्लस पाई बाई फोर मेरा क्या होगा, थ्री पाई बाई फोर, साइन ऑफ थ्री पाई बाई फोर क्या होगा मेरा, अगेन वन बाय रूट टू, और वन बाय रूट टू इंटू रूट टू इज अगेन वन, तो मेरा इधर कहीं आएगा ये वाला पॉइंट होगा, दिस इज माई पाई बाई टू। तो अब देखना मैं एक्चुअल ग्राफ बता रहा हूँ, जीरो टू पाई बाई टू के लिए ग्राफ, इसको अंडर मार्क कर रहा हूँ मैं, देखना जीरो टू पाई बाई के लिए, दिस इज द ग्राफ जो मैंने शेड किया है फॉर एक्स बिलोंग टू जीरो टू पाई बाई टू, तो इसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे कितना है, दैट इज नथिंग बट रेंज, तो कितना है वन से रूट टू, तो रेंज कितना हो गया हमारा, रेंज इज वन क्लोज से रूट टू क्लोज, तो समझ में आया कितना आसान हो गया, वैसे बहुत टफ हो जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना, क्योंकि तुम केसेस बनाते हैं फॉर एक्स लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर दोनों को ओपन करते हैं, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो ये पॉजिटिव के साथ ओपन होता, ये नेगेटिव के साथ, फिर तीसरे क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव के साथ ओपन होते, एंड सो ऑन, तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता, बट मैंने देखा कि ये पीरियडिक है, वो पीरियड भी इसका क्या है पाई बाई टू है, तो केवल एक पीरियड के लिए हमने उसका रेंज निकाल लिया, वही रेंज क्या होगा ओवरऑल रेंज, क्लियर है बच्चों। अच्छा इसको दूसरे मेथड से मैं फास्ट लिख रहा हूं क्योंकि मैंने ऑलरेडी करा चुका है ये, तुम लोगों को ग्रुप में भेजा था सॉल्यूशन, तो मेथड टू देख लो, मैंने देखा एफ एक्स का स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स, मॉड ऑफ साइन एक्स का स्क्वायर आएगा विच इज साइन स्क्वायर एक्स, प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स का स्क्वायर विच इज अगेन कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस टू मॉड साइन एक्स कॉस एक्स, ये कितना हो गया वन, तो वन प्लस मॉड ऑफ टू को अंदर लेके गया मॉड के, तो ये हो गया साइन टू एक्स, दिस इज माई एफ एक्स का स्क्वायर। अब यू कैन सी एफ एक्स का स्क्वायर जो है इसका रेंज क्या है, इसका रेंज जीरो टू वन है, इसका रेंज जो है वो जीरो टू वन है, तो ओवरऑल क्या हो गया वन प्लस जीरो मतलब वन से टू। अच्छा अब एफ एक्स का रेंज क्या होगा वो देखते हैं, देखो अब मुझे पता है कि जो इनिशियल जो एफ एक्स लिया था ये एक पॉजिटिव है ये एक पॉजिटिव है, तो जो ओवरऑल फंक्शन है मेरा दैट इज अ पॉजिटिव फंक्शन या नॉन नेगेटिव बोल लूं मैं, तो अगर एफ एक्स स्क्वायर इधर से इधर लाई कर रहा है तो एफ एक्स का रूट ऑफ वन which is 1, comma root of 2 is root 2, तो 1 by 1 comma root 2, 1 comma root 2 दोनों method से आया, ठीक है ना, तो वीडियो पॉज करो copy करो, अब हम last question देखते हैं, इसमें हम I'll tell you to draw the graph, और graph भी बनाएंगे हम periodicity use करके, ठीक है, चलो draw the graph of, लिख लो, चलो draw the graph of y is equal to ln of फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसमें दो पार्ट कर लेते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड, वाई इज इक्वल टू वन अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है, तो बेटर रहेगा क्या कि तुम लोग वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो, मैं अभी बता देता हूं, ठीक है, तो ये क्या है मेरा ln ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जी एक्स, अगर देखू तो जी एक्स पीरियडिक है विद पीरियड वन, तो ये मेरा फंक्शन क्या होगा, पीरियड होगा इसका वन जो gx का पीरियड होगा, तो क्या करूं मैं एक पीरियड के लिए ग्राफ बना लेता हूं बाकी तो रिपीट करेंगे, तो सबसे बेस्ट पीरियड क्या है जीरो टू वन, तो मैं क्या कर रहा हूं ड्रॉ द ग्राफ फॉर ड्रॉइंग ग्राफ फॉर x लेस देन इक्वल टू वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्चुअली लेस देन इक्वल टू नहीं होगा इक्वालिटी होल्ड ही नहीं करेगी, मैंने बोला जीरो टू वन के लिए ग्राफ बना लेता हूं वही ग्राफ रिपीट करेगा, क्यों, क्योंकि इसका ये पीरियडिक है विद पीरियड वन, तो जीरो टू वन के लिए अब हम वो फैक्ट यूज करेंगे कि जीरो टू वन के लिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स होता है, मुझे पता है ना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ क्या होता है, दिस इज द ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो आई एम सेइंग फॉर जीरो टू वन दिस डेफिनेशन क्या होती है वाई इज इक्वल टू एक्स, तो मेरा फंक्शन क्या हो गया वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स, और एल एन एक्स का ग्राफ तो मुझे पता है जीरो टू वन के लिए क्या होता है हमारा, ऐसे जाता है ये पूरा इतना जाता है, बट जीरो टू वन चाहिए मुझे ये खाया, और जीरो पे भी ओपन है वन पे भी ओपन है, तो दिस इज माई ग्राफ ऑफ जीरो टू वन, ये मेरा एसिम्प्टोट है, तो अब क्या होगा रिपीट करना है मुझे, ये जीरो है ये वन है, तो देखना ये मेरा फिर ग्राफ हो गया, फिर अगेन होलो, फिर डेट दैट दिस इज एसिम्प्टोट, फिर ये मेरा आ गया ये दिस इज टू दिस इज थ्री एंड सो ऑन, दिस इज अगेन एसिम्प्टोट, समझ में आया, सो दिस इज व्हाट माय ग्राफ ऑफ ln ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, हमने क्या फैक्ट यूज किया अगेन कि इसका पीरियड वन है, तो हमने क्या किया वन के सॉरी इसका पीरियड वन है, तो हमने केवल एक इंटरवल के लिए इसका ग्राफ बना लिया एक पीरियड के लिए और उसको रिपीट कर दिया, जैसे इसमें रेंज भी पूछ सकता है, तो रेंज के लिए भी हम क्या करेंगे कि किसी भी एक पीरियड के लिए दैट इज फॉर जीरो टू वन लेट्स से इसके लिए रेंज निकाल लेंगे, तो रेंज क्या होगा माइनस इन्फिनिटी से जीरो पर, तो इसका रेंज लिखना है तो चलो एक्स्ट्रा लिख लो, इसका रेंज क्या हो जाएगा रेंज
रेंज विल बी माइनस इंफिनिटी से जीरो ओपन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पीरियोडिसिटी का यूज। तो आई होप वो वाला तो तुम कर ही लोगे। उसमें भी क्या है हमारा, वन अपॉन एफ एक्स, और एफ एक्स का पीरियड अगर वन है तो वन अपॉन एफ एक्स का पीरियड भी क्या होगा, वन होगा। तो इसका भी पीरियड वन है, तो अब हम क्या करें, किसी भी एक इंटरवल के लिए ऑफ लेंथ वन ग्राफ बना लेते हैं, वो उसमें जो ग्राफ आएगा उसी को रिपीट कर देंगे। तो लेट से फॉर जीरो टू वन, फॉर एक्स लेस देन वन ग्रेटर देन जीरो, लेस देन इक्वल्स टू आएगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा। वन तो रख सकते, अच्छा वन भी नहीं रख सकते, इधर भी लेस देन ही आएगा क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर इज जीरो। तो अब सुनना, जीरो टू वन के लिए ग्राफ, ये जीरो टू वन के लिए, अब ये इसके लिए वाई किसमें कन्वर्ट हो गया, फॉर जीरो टू वन देखा था फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स के बराबर, तो वन अपॉन क्या हो गया एक्स, और ये क्या है मेरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो अब मुझे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाना है, तो पहले तो मैंने पूरा बना लिया, लेट से ये पूरा बना लिया, ऐसा होता है कुछ तो, बट मुझे पूरा थोड़ी चाहिए, मुझे केवल जीरो टू वन के लिए बनाना है। तो लेट से इधर वन है, दिस इज वन, तो यहीं तक बनाना है बस, लेट से। अब क्या करूं मैं, इसको रिपीट कर देता हूं, तो इसको रिपीट करूंगा तो क्या आएगा, देखो ये टू होगा, फिर ये मेरा एसम टोट होगा, फिर ये मेरा थ्री होगा, एंड सो ऑन, दिस इज जीरो। तो दिस इज व्हाट ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू वन ऑफ वन अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है बच्चों। तो फिर आज के लिए इतना काफी है, आज हमने काफी पढ़ा है, ठीक है ना, काफी लेक्चर का लेंथ भी काफी हो गया होगा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी हमने, मतलब आज का लेक्चर तुम दोबारा रिमाइंड करके सुनो, ठीक है। अगर कोई भी डाउट आता है पूछो मुझसे, और मैंने एक और मैं आज ही तुम्हें या कल तुम्हें शीट मिल गई होगी, आज मिल जाएगी फंक्शन की शीट, ठीक है ना, उसको करो। उसमें क्या है कि तुम पहले स्टार्ट करो रेंज और रेंज और डोमेन के क्वेश्चन से, उसके बाद जैसे जैसे फ्लो जा रहा है हमारा, उसमें डीपीपी में भी ऐसे क्लासिफाइड है, पहले रेंज डोमेन के क्वेश्चन हैं, फिर इनटू ऑन टू के क्वेश्चन हैं, फिर अपना इवन ऑड के हैं, फिर पीरियोडिसिटी एंड सो ऑन, ठीक है। तो उसी फ्लो में तुम लोग अटेम्प्ट करो, बट आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और अगर मतलब दोबारा रिमाइंड करके देखो, दिमाग में बिठाओ कॉन्सेप्ट, जो भी मैंने जहां भी स्ट्रेस दिया है ना उसको दोबारा दिमाग में बिठाओ, और स्पेशली जो स्टार मार्क किए क्वेश्चन उनको बार बार देखो, ठीक है। तो फिर बहुत है आज के लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।